सो वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, आपके फैमिलीज में सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, एक मेरी बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट गुजारिश है आपसे कि प्लीज़ आप अपने घर से अभी बाहर ना निकलें, मास्क लगा के निकलें, बहुत ज़रूरी हो तब निकलें, क्योंकि अभी एक बहुत खतरनाक वायरस इंडिया में एंटर कर चुका है, ओमिक्रॉन वायरस जो है। और मुझे पता है आप में से कई सारे लोगों ने, आपकी फैमिलीज में भी कई सारे लोगों ने दोनों डोजेज लगवा ली हैं वैक्सीन की। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बार बता दूँ कि ये जो भी जितनी भी सारी वैक्सीन है, चाहे वो आपकी कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या स्पुतनिक हो, कोई सी भी वैक्सीन हो, ये आपको 100% गारंटी नहीं देती हैं। ये बस आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, एज अ प्रोटेक्शन की तरह आपकी तरफ आपके लिए हैं। ये आपकी बॉडीज में एंटीबॉडीज ये डेवलप करती हैं, इससे भाई आप डिजीज से लड़ सकते हो। तो ये जो ओमिक्रॉन वायरस है, ये बहुत खतरनाक वायरस है, ये भाई आपकी जो बॉडी है इससे लड़ेगी। लेकिन यहाँ पे सिम्टम्स हो रहे हैं, जिन लोगों ने भी डोजेस लगवाई हैं दोनों, उनको यहाँ पे सिम्टम्स हो रहे हैं। बस फर्क ये है, उन्हें सिवियर सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, खतरनाक बीमारी नहीं हो रही है। तो प्लीज़ अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि अगर यहाँ पे दोनों पार्टीज अगर परफॉर्म कर देती हैं, अपना वादा निभा देती हैं, तब हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहेंगे। या अगर भाई यहाँ पे दोनों पार्टीज को परफॉर्मेंस फ्यूचर में करनी होती है, या किसी एक पार्टी को परफॉर्मेंस फ्यूचर में करनी होती है, या अगर यहाँ पे वन साइडेड परफॉर्मेंस होती है, तब हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में हमने देखा था कि यहाँ पे दोनों ही पार्टीज अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर देती हैं, दोनों ही पार्टीज परफॉर्मेंस कर देती हैं, अपना वादा निभा देती हैं। तो जब दोनों ही पार्टीज अपना वादा निभा देती हैं, उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे जो कंसिडरेशन होता है वो या तो एक्ट हो सकता है या फोरबियरेंस होता है। तो जब एक्ट हो जाता है या फोरबियरेंस ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड हो जाती है, यानी कि फोरबियरेंस ऑफिशियल हो जाती है, आप किसी को सच सच में बहुत अच्छे से अपने पूरे दिल से माफ कर देते हो कि जाओ भाई हमने तुम्हारा लोन माफ किया, तब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे कि आप कहीं शॉप में एक मिल्क का पैकेट लेने जाते हो, आप मिल्क का पैकेट वहाँ पे मांगते हो उससे, अपनी इच्छा व्यक्त करते हो उससे कि मुझे ये वाला मिल्क का पैकेट चाहिए। शॉपकीपर आपको मिल्क का पैकेट दे देता है, आप उसे पैसे दे देते हो। जैसे ही आप पैसे दे देते हो, मिल्क का पैकेट ले लेते हो, यहाँ पे दोनों ही पार्टीज परफॉर्मेंस कर चुके हैं, किसी भी पार्टी की ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग नहीं है, तभी जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आता है हमारा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, दोनों ही पार्टीज परफॉर्मेंस कर चुकी होती हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, यहाँ पे या तो दोनों ही पार्टीज की ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग होती है, या यहाँ पे किसी एक पार्टी की ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग होती है, पार्टीज को यहाँ पे ऑब्लिगेशन फ्यूचर में परफॉर्म करनी होती है। जैसे कि इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको 6 महीने पढ़ाऊंगा, और आप भी कहते हो हाँ भाई सर आप मुझे 6 महीने अगले तक पढ़ाइए, मैं आपको हर महीने पेमेंट किया करूँगा, हर महीने मैं आपको 5,000 रुपीज़ दिया करूँगा, कुछ ज़्यादा ही हो गए। तो यहाँ पे आपकी तरफ से ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है, आप मुझे हर महीने 5,000 रुपीज़ दोगे, आगे फ्यूचर में दोगे, और यहाँ पे मेरी तरफ से भी ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है कि मुझे आपको हर महीने अगले 6 महीने तक पढ़ाना है। यहाँ पे दोनों ही पार्टीज की ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग है, इसलिए आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे कि आप अमेजोन पे, ये अमेजोन है, अमेजोन पे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, और ऑर्डर प्लेस करते हो कैश ऑन डिलीवरी। आप ऑर्डर प्लेस करते हो 1 जनवरी को, और यहां पे डिलीवरी जो होती है वो 5 जनवरी यानी कि फ्यूचर में डिलीवरी होती है। अब यहां पे जब आप डिलीवरी करते हो उसी टाइम पे आप पेमेंट करते हो, मतलब जब अमेजोन डिलीवर करेगा तब आप यहां पे पेमेंट करोगे, ठीक है। अब यहां पे ऑब्लिगेशन जो है, ऑब्लिगेशन एक तो आपकी, दूसरी अमेजोन की, आपकी ऑब्लिगेशन यहां पे आउटस्टैंडिंग रहेगी, और अमेजोन की भी ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग रहेगी। आपकी ऑब्लिगेशन क्या है कि आपको पे करना है, अमेजोन की यहां पे ऑब्लिगेशन क्या है, अमेजोन की ऑब्लिगेशन ये है कि उसे डिलीवरी करनी है। यहां पे ऑब्लिगेशन जो है वो आउटस्टैंडिंग रहेगी 5 जनवरी से पहले पहले, यानी कि बिफोर डिलीवरी ऑब्लिगेशन यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रहेगी। तो बिफोर डिलीवरी ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। और जब यहाँ पे पेमेंट हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है, इससे हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट।
बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, या तो दोनों ही पार्टीज की ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग होती है, दोनों ही पार्टीज को अपनी ऑब्लिगेशन फ्यूचर में परफॉर्म करनी होती है, या यहां पे किसी एक पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर देती है लेकिन दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशन जो होती है वो आउटस्टैंडिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब यहां पर मान लो यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आप यहां पर पेमेंट एडवांस में कर देते हो, यहां पे कैश ऑन डिलीवरी ना सिलेक्ट करके आप यहां पे एडवांस में पे कर देते हो, एडवांस या मैं कह सकता हूं प्रीपेड, आप एडवांस में पेमेंट कर देते हो, ठीक है। अब यहां पे आपकी ऑब्लिगेशन जो है, आपकी ऑब्लिगेशन यहां पे आउटस्टैंडिंग नहीं रही क्योंकि आपने यहां पे पेमेंट कर दिया, आपकी ऑब्लिगेशन यहां पे आउटस्टैंडिंग नहीं रही, सिर्फ अमेजोन की ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग रहेगी कि उसे भाई यहां पे 5 जनवरी को डिलीवरी करनी है, तो डिलीवरी करने की जिम्मेदारी है किसकी, अमेजोन की। आपने यहां पे अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दी है। मेरा सवाल ये है कि भाई ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है या ये बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि भाई अगर यहां पे एडवांस में पेमेंट कर देते हो, आप अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर देते हो और सिर्फ एक ही पार्टी की यहां पे ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग रह जाती है, तब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे, क्या इसे हम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे या इसे हम बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। बताओ भाई सोच के। अब भाई जितने भी लोग कह रहे हैं, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कह रहे हैं कि ये सर यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, जितने लोग भी यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, सबके सब गधे हैं, सबके सब नलायक हैं, ये यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये आपका बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट ही रहेगा। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में और यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में। बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, बाइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है इसमें आपकी टू साइडेड ऑब्लिगेशन होती है, या इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं, और बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस से ही जब कॉन्ट्रैक्ट यहां पे बनने जा रहा होता है तो इनिशियल स्टेज पे ही यहां पे टू साइडेड ऑब्लिगेशन पहले से ही होती हैं। तो यहां पे जैसे ही आप Amazon की ऐप खोलते हो तो वहां पे आपके पास ऑप्शन आते हैं, वो आपकी ऑब्लिगेशन होती है कि आप चाहे कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप यहां पे ऑनलाइन पहले से ही पेमेंट कर सकते हो, वहां पे आपकी ऑब्लिगेशन होती है, स्टार्टिंग से ही यहां पे आपकी ऑब्लिगेशन होती है, ठीक है। लेकिन यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वहां पे स्टार्टिंग में एक पार्टी की ऑब्लिगेशन होती है, दूसरी पार्टी की स्टार्टिंग से ऑब्लिगेशन नहीं होती है। जैसे कि यहां पे हमने एग्जांपल देखा था, ये जो मिसिंग पर्सन वाला ये जो एग्जांपल देखा था कि एक पर्सन जो है वो खो गया है, गुम हो गया है, अब उसके ऊपर इनाम का ऐलान किया जाता है, एक इनाम घोषित किया जाता है, ये आपका यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, यहां पे 5000 का रिवॉर्ड है, ये जो 5000 का रिवॉर्ड है ये एक तरीके से प्री अरेंज्ड कमिटमेंट है, मतलब यहां पे स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से ही एक पार्टी की ऑब्लिगेशन होती ही नहीं है। यहां पे जो पर्सन ट्रेस करेगा, जो पर्सन इस ऑफर की कंडीशन कंप्लाई करेगा, इस ऑफर में लिखा है कि आपको ट्रेस करना है, जो कोई भी इसको ट्रेस करेगा यहां पे सिर्फ वही परफॉर्मेंस करेगा, उसी की तरफ से परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस जो है यहां पर वन साइडेड है, ठीक है। तो यहां पे रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन नहीं होती है, टू साइडेड ऑब्लिगेशन नहीं होती है, यहां पे बेसिकली आपकी वन साइडेड ऑब्लिगेशन होती है, तो ये आपका यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। बस ये जो बात है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, यहां पे एक पार्टी अपनी परफॉर्म कर चुकी होती है ड्यूटी स्टार्टिंग से ही, सिर्फ एक ही पार्टी को यहां पे अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करनी होती है फ्यूचर में, यानी कि फाइंडिंग द मिसिंग पर्सन। अब इसके बाद बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, इसका भी आपने एग्जांपल देख लिया, जैसे कि मान लो आप, जैसे कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे आपको पढ़ाना है अगले 6 महीने तक, आप क्या करते हो, अगले 6 महीने की जितनी फीस होती है उसको एडवांस पेमेंट कर देते हो। अब आपने अपनी ऑब्लिगेशन जो है वो यहां पे परफॉर्म कर दी है, इनिशियल स्टेज से बिल्कुल स्टार्टिंग से आपकी यहां पे ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग थी, मेरी भी ऑब्लिगेशन आउटस्टैंडिंग थी, आपने यहां पे पेमेंट कर दिया,
अब मुझे आपको अगले 6 महीने तक पढ़ाना है, ये मेरी ऑब्लिगेशन है। आप एडवांस पेमेंट कर चुके हैं, आप अपनी ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर चुके हो, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको हम लोग कहेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम लोग कहेंगे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और साथ में इसे हम लोग कहेंगे बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पार्टीज की ऑब्लिगेशन जो होती है आउटस्टैंडिंग होती है। अब बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट इज वन वेयर द ऑब्लिगेशन और प्रॉमिस इज आउटस्टैंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्रपोजल क्या होता है या ऑफर क्या होता है। प्रपोजल और ऑफर मेरे बच्चा इसको डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज ए में। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी डेफिनेशंस दे रखी हैं, जितना भी ये सेक्शन 2 वाले में जो भी सारे क्लॉजेस होते हैं सेक्शन 2 के अंडर जो आते हैं, इसमें जितनी भी डेफिनेशन दे रखी हैं, अगर आप इन डेफिनेशन को लर्न कर लोगे तो बहुत 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 अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर लेकिन आप लर्न नहीं कर पाते तो आपको सारे के सारे कीवर्ड्स आने चाहिए, क्योंकि कोई भी डेफिनेशन होती है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि ये जो डेफिनेशन है इसमें देखो क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ द एक्ट व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। विलिंगनेस यहां पे कीवर्ड आ गया, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग ये आपका कीवर्ड आ गया। Anything with a view to obtain the assent, with a view to obtain the assent, ये आपका कीवर्ड आ गया। Of that other, to such act or obstinence he is said to make a proposal. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ important keywords होते हैं। अगर आप इसको अपनी भाषा में लिखते हो, अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखते हो, तो यहाँ पे सारे के सारे keywords कवर होने चाहिए। या आप क्या कर सकते हो, इस डेफिनेशन को बिल्कुल डिट्टो जैसे यहाँ पे लिखे बिल्कुल वैसे ही याद करके चले जाओ, आपके सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे ही कंसिडरेशन की डेफिनेशन आगे आएगी, बड़ी सी डेफिनेशन है। तो अगर आप ये पूरा का पूरा लिख के आओगे ना, तो आपके मार्क्स एक नंबर भी के आधा नंबर भी नहीं कटेगा आपका, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो क्या होता है आसान शब्दों में डेफिनेशन ऑफ ऑफर प्रपोजल, ऑफर या प्रपोजल की क्या डेफिनेशन होती है। तो देखो यहां पे जब कोई व्यक्ति, जब कोई पर्सन किसी से कुछ करवाने के लिए या कुछ ना करवाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करता है, अपनी विलिंगनेस व्यक्त करता है, उसकी इच्छा है, वो चाहता है कि आप ऐसा करो या आप ऐसा ना करो। तो जो कोई पर्सन कुछ करवाने के लिए या कुछ ना करवाने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करता है दूसरे की सहमति लेने के लिए, मतलब दूसरे की सहमति लेनी है कि क्या आप ये करोगे, क्या आप मेरे से पढ़ोगे, क्या आप मेरी क्लासेस देखोगे, अब आपका यहां पे आंसर होना चाहिए हाँ या ना में। तो इसका मतलब है कि मैं यहां पर ऑफर दे रहा हूं। तो व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, यहां पर इच्छा होना चाहिए, अंदर से बहुत अच्छी वाली इच्छा होना चाहिए, ऐसे नहीं भाई जबरदस्ती बोल रहे हैं, इच्छा होना बहुत जरूरी है किसी भी प्रपोजल में, ऑफर में। जैसे कि आपको कोई लड़की बहुत पसंद आ जाती है, तो आपको यहां पे उससे अपनी इच्छा व्यक्त करनी है, उसकी सहमति लेनी है, ठीक है। आप उससे कहोगे विल यू मैरी मी, क्या आप मेरे से शादी करेंगी, आप यहां पे इच्छा व्यक्त करोगे, और दूसरे की यहां पे कंसेंट लोगे, उसकी फ्री कंसेंट लोगे, उससे जोर जबरदस्ती डरा के धमका के नहीं कि भाई अगर तूने ना बोला तो मैं तुझे उड़ा दूंगा, हम मुन्ना भाई हैं बिल्कुल, वो कौन सी मिर्जापुर वेब सीरीज वाले, कि तूने अगर मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं तो उड़ा दूंगा, मार डालूंगा, ऐसा नहीं है। आपको जोर जबरदस्ती ना करके आपको उसकी कंसेंट लेनी है, फ्री कंसेंट लेनी है, उसकी सहमति लेनी है। टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कुछ करवाने के लिए या कुछ ना करवाने के लिए, एब्सटेन का मतलब होता है कुछ ना करने के लिए सहमति लेना, कुछ ना करने के लिए। जैसे कि यहां पे बहुत ही हमने एग्जाम्पल देखा, जैसे कि टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। जैसे कि यहां पे आप मुझे ऑफर दे रहे हो कि सर क्या आप मुझे बिजनेस लॉ पढ़ाओगे, तो आपकी यहां पे इच्छा है बिजनेस लॉ पढ़ने की, और यहां पे मुझे क्या करना है, मुझे आपको यहां पे पढ़ाना है, तो आप मुझसे कह रहे हो कि सर आप मुझे पढ़ा दो, तो मैं यहाँ पे कुछ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो पढ़ाना ये क्या है, मुझे यहाँ पे करना है। और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, या किसी को कहना कि तुम ऐसा अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें पैसा दूंगा। जैसे कि यहाँ पे एक डेटर है, डेटर भाई क्रेडिटर का पेमेंट नहीं करता है, बहुत सारे महीने गुजर जाते हैं, तो क्रेडिटर उसको धमकी देता है कि मैं तेरे पे केस फाइल करूंगा, मैं लीगली कोर्ट का मदद लूंगा, कोर्ट का सहारा लूंगा। तो यहाँ पे जो डेटर है, डेटर क्रेडिटर से कहता है कि अगर तुम मुझ पे केस नहीं फाइल करोगे, अगर तुम भाई मुकदमा दर्ज नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये एडवांस में और ज्यादा दूंगा। ये क्या है, टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग।
यानी कि कुछ ना करने के लिए किसी की सहमति लेना। एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, एसेंट का मतलब होता है सहमति ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्स्टिनेंस, उस कार्य को करने के लिए या उस कार्य को ना करने के लिए किसी की सहमति लाना, इसे कहते हैं हम लोग प्रपोजल या ऑफर। अब यहां पे एनालिसिस दे रखी है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल्स ऑफ अ प्रपोजल और ऑफर आर, इसके एसेंशियल्स क्या हैं? ठीक है, अब सबसे पहली बात तो हमें यह देखना होगा कि जो भी पर्सन ऑफर देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, और जो पर्सन के लिए ऑफर होता है उसे क्या बोलते हैं। ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद फिर उन पार्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं, और जिसने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया उनको हम लोग क्या बोलते हैं। तो आप आ जाइए इस वाले पेज पे, पेज नंबर 7। ठीक है, अब देखो यहां पे आप देख सकते हो दो पार्टीज हैं। ठीक है, यहां पे मान लो एक पार्टी ये है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ठीक है, एक पर्सन जो है इसका नाम ए है, यहां पे मैं ए लिख देता हूं, इसका नाम है बी। ठीक है, अब देखो यहां पे ए ऑफर दे रहा है, विल यू सेल मी योर कार फॉर ₹2,00,000। यहां पे ये ऑफर दे रहा है कि क्या तुम मुझे अपनी कार, यहां पे ए बी को ऑफर दे रहा है, क्या तुम मुझे अपनी कार ₹2,00,000 में दोगे। तो यहां पे जो पर्सन ऑफर देता है, जिस टाइम पे वो ऑफर देता है उसे हम लोग कहते हैं ऑफरर, ऑफरर। तो यहां पे ए जो है वो कौन है, ऑफरर है, और जिस पर्सन को ऑफर दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ऑफरी, ऑफरी। तो यहां पे बी जो है वो क्या हो गया, यहां पे ऑफरी हो गया। ए यहां पे ₹2,00,000 का ऑफर दे रहा है और बी जो है, बी यहां पे उसका ऑफर जो है ऑफर सुन रहा है। अब यहां पे बी के ऊपर है, बी ए के ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर देता है, कर सकता है। तो यहां पे अब ऑफर तो हो गया भाई आपका, अब ऑफर के बाद अगर एक्सेप्टेंस हो जाती है, यानी कि बी जो है अगर यस बोल देता है, तो एक्सेप्टेंस के बाद ए जो है, यानी कि जो ऑफरर है, ऑफरर अब बन जाता है यहां पे प्रोमिसर, प्रोमिसर, जिसको भाई अपना वादा निभाना है, और जो ऑफरी होता है वो बन जाता है प्रोमिसी, प्रोमिसी, जिससे वादा किया गया है ये बन जाता है प्रोमिसी, या इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर। अब एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, एक बार बी ने हाँ कर दी, एक बार बी ने कह दी कि भाई मैं अपनी कार ₹2,00,000 में बेचूंगा, ₹2,00,000 का प्राइस भी फिक्स हो गया है। अब एक बार बी ने अगर हाँ कर दी, एक बार बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी ऑफर के लिए, अब वो मुकर नहीं सकता, अब वो मना नहीं कर सकता, अब देर इज नो टर्न बैक, अब वो पीछे नहीं मुड़ सकता। तो एक बार ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्टेंस के बाद देर इज नो टर्न बैक, There is no turn back। ठीक है, तो ये आपको नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये definitions में ये नाम use होते हैं। जो person offer देता है उसे हम लोग कहते हैं offerer, जिस person को offer दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं offeree। offer के accept होने के बाद, जैसे ही offer accept हो जाता है, तो यहां पे जो person ने offer दिया था वो बन जाता है promiser, और जो person ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करने के बाद बन जाता है वो एक्सेप्टर या प्रोमिसी। ठीक है, इसके बाद हम लौट के आते हैं अपने उसी पेज पे, यही लिखा हुआ है एसेंशियल्स में। तो बच्चा देखो आप यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसर और ऑफरर। जो पर्सन ऑफर देता है उसे हम लोग कहते हैं ऑफरर या प्रोमिसर। द पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरी, एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड द प्रोमिसी और एक्सेप्टर। जो पर्सन ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करने के बाद वो बन जाता है प्रोमिसी या एक्सेप्टर। ठीक है, ये भाई लॉ में दिए हुए टर्म्स हैं,
इन टर्म्स के नाम के हिसाब से हम इन्हें बुलाते हैं, ऐसा तो नहीं है हर बार यही बोलते रहेंगे। जैसे कि एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड ने यहाँ पे कई सारे पर्सन जो हैं, कई सारे पर्सन, एक पूरा ग्रुप है, मान लीजिए एक ABC एंड एसोसिएट से कोई पार्टनरशिप फर्म है उससे ऑफर किया है, तो यहाँ पे हम सीधा सीधा ऑफर और ऑफरी ऐसे करके लिखते हैं, इससे बहुत आसानी होती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आप कोई भी पूरी केस स्टडी पढ़ोगे तो पूरे केस में लिखा होता है ऐसे कि ये ऑफरर है, ये ऑफरी है, ये प्रोमिसर है, ये प्रोमिसी है, और इसके हिसाब से डेफिनेशन भी अच्छे से आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरी एसेंशियल क्या है, फॉर अ वैलिड ऑफर। अब यहाँ पे जो भी सारी एसेंशियल दे रखी हैं, पूरे डेफिनेशन के टुकड़े यहाँ पे दे रखे हैं आपको, पूरी डेफिनेशन को ब्रेक करके लिखा हुआ है। फॉर अ वैलिड ऑफर, एक वैलिड ऑफर के लिए पार्टी मेकिंग इट मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस, यहां पे इच्छा होना चाहिए, विलिंगनेस होना चाहिए। जैसे कि भाई आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो लेकिन आपका थोड़ा सर में हल्का हल्का सा हेडेक सा हो रहा है, तो यहां पे आप क्या करते हो, मान लो आप हॉस्टल में रहते हो, हॉस्टल में तो कोई चाय बनाने वाला है नहीं, आप क्या करते हो, हॉस्टल के नीचे एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक टपरी पे जाते हो और टपरी पे वहां पे चाय ऑर्डर करते हो। यहां पे आपकी इच्छा होना चाहिए चाय पीने की, ठीक है, यहां पे आपकी इच्छा होना चाहिए। तो भाई यहां पे क्या कर रहे हो, आप अपनी इच्छा व्यक्त करते हो, आप किसी से बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हो और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक पर्सन से प्यार करते हो, आप यहां पे आप उससे बोलते हो आई लव यू। तो आई लव यू कोई ऑफर नहीं होता है, आई लव यू किसी को बोल दोगे लड़की स्माइल करेगी, कुछ नहीं बोलती है, तो अगर उसकी चुप्पी है तो उसका चुप रहने का मतलब क्या हो गया कि बस वो आपको लाइक करती है, वो आपसे प्यार नहीं करती है। यहाँ पे आपसे आपको यहाँ पे उसे ऑफर देना चाहिए, आपको प्रपोजल देना चाहिए, विल यू मैरी मी, नी डाउन करके अच्छे से आपको प्रपोजल देना चाहिए, ऑफर देना चाहिए। सर आप ये क्या सिखा रहे हो, मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रपोजल क्या होता है, ऑफर क्या होता है। तो यहाँ पे आपको विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करना चाहिए। जब आप इच्छा जाहिर करोगे, जब अपनी विलिंगनेस जाहिर करोगे, तब हम इसे कहेंगे कि ये प्रपोजल है, ऑफर है। लेकिन अगर आप सिर्फ आई लव यू बोलते हो, वो स्माइल करते हैं, तो हम कहेंगे सिर्फ ये स्टेटमेंट है, कोई भी आपने ऑफर उसे नहीं दिया है, ठीक है। फॉर अ वैलिड ऑफर पार्टी मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग, देयर मस्ट बी एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू सम एक्ट बाय ऑफरर। जैसे कि यहाँ पे ए विलिंग टू सेल हिज गुड्स एट अ सर्टेन प्राइस टू बी, जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि यहाँ पे ए जो है, ए यहाँ पे ऑफर देता है कि या तो मुझे अपनी कार 2 लाख रुपए में बेचोगे, बी को ऑफर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी इच्छा है कार खरीदने की, ठीक है, यहाँ पे उसे सहमति लेनी है बी की, इसके बाद तो इच्छा होना चाहिए। इसका दूसरा एग्जांपल है, ए इज विलिंग नॉट टू डांस इन अ कॉम्पिटिशन इफ बी पेज हिम सर्टेन सम ऑफ मनी। तो ए कहता है कि मैं डांस नहीं करूंगा, ठीक है, मैं बहुत खतरनाक डांस करता हूं, नागिन डांस करता हूं, अगर तुम मुझे 5,000 रुपीज दोगे तो मैं यहां पे डांस परफॉर्म नहीं करूंगा। तो क्या है, एब्स्टिनेंस है ये, इसे हम लोग कहते हैं एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस मतलब नॉट टू डू समथिंग, एब्स्टिनेंस। तो यहां पे वो एब्स्टिनेंस परफॉर्म कर रहा है कुछ ना करके, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल सुनना चाहते हो तो सुन लो, जैसे कि आपका कोई दोस्त है और वो सुट्टा पीता है, सिगरेट पीता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप अपने फ्रेंड से बोलते हो कि अगर तुम स्मोकिंग क्विट कर दोगे, अगर आप स्मोकिंग हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे, तो मैं वादा करता हूं मैं रोज तुम्हें फ्री में चाय पिलाया करूंगा। तो ये क्या है, उसके पार्ट की तरफ से, जो आपका दोस्त जो स्मोकिंग कर रहा है, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है, नशा करना है तो भगवान का नशा करो, हरि नाम का नशा करो, जय श्री कृष्णा, ठीक है, केशव का नशा करो, केशव को अपना फ्रेंड बनाओ, माधव को अपना फ्रेंड बनाओ, कृष्ण जी को, ठीक है, वैसा नशा करो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एब्सटिनेंस करेगा तब उसे यहाँ पे क्या मिलेगा, तब उसे चाय मिला करेगी फ्री में। इसके बाद आपका एक और पॉइंट आता है, विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट। उसको भाई आपको भाई एसेंट लेना है, किसी से प्यार करते हो तो आप उससे उसकी हाँ या ना पूछो, ये नहीं सिर्फ बोल रहे हैं आई लव यू, आप उसे थोप रहे हो आई लव यू, ऐसा नहीं है, आपको यहां पे उसकी सहमति लेनी है, फ्री कंसेंट, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है कि भाई मुझे तो भाई तुमसे प्यार करना है, मुझे तुमसे प्यार करना है, ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं करेगी, तुझे मार दूंगा, नहीं करेगी तो मुझे, मैं तुझे गोली से उड़ा दूंगा, ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे उसकी फ्री कंसेंट लेनी है, उसकी सहमति लेनी है, उसका हाँ या ना में आंसर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप पूछोगे विल यू मैरी मी, तब वो यहाँ पे हाँ या ना में अपना आंसर देगी। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ, देख लो भाई आपकी स्टडी मेट में भी ऐसे लिखा हुआ है। एग्जाम्पल,
वेयर ए टेल्स बी डेट ही डिजायर टू मैरी बाय द एंड ऑफ 2019 इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफर ऑफ मैरिज बाय ए टू बी. आप किसी से अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हो, डिजायर आपका है, यहाँ पे आप कह रहे हो कि मैं 2019 तक तुमसे शादी करूंगा. ये आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो, यहाँ पे आप उसकी सहमति नहीं ले रहे हो, आप उससे कुछ क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, उससे आप कुछ पूछ नहीं रहे हो. देयरफॉर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस, आप उसकी सहमति तो लो, जबरदस्ती थोड़ी ना है कि भाई शादी करना है तो करनी है, उसी से करनी है, उसकी मर्जी नहीं है, वो किसी और से प्यार करती है, तुम उससे दिल लगा बैठे और तुम कह रहे हो मैं तुमसे शादी करके रहूँगा. ठीक है, ऐसा नहीं है. आपको यहाँ पे उसकी इच्छा पहले पूछनी चाहिए कि भाई क्या तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं है, क्या तुम किसी और से प्यार तो नहीं करती हो, ऐसा कुछ पूछना चाहिए. ठीक है, देयरफॉर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ऑफर एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द एसेंट, यानी कि उसकी एक्सेप्टेंस आपको लेनी है अपने प्रपोजल की, अपने ऑफर की. देयरफॉर इन द अबव एग्जाम्पल ए फर्दर एड्स विल यू मैरी मी, यहाँ पे ये विलिंगनेस जाहिर कर रहा है, विल यू मैरी मी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है. तो इसे हम लोग ऑफर कहेंगे, वो भाई यस भी कर सकती है, वो भाई नो भी कर सकती है. ठीक है, तो अगर हाँ करती है तो अच्छी बात है, अगर ना करती है तो कोई बात नहीं यार, इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है. ठीक है, और भगवान जो होते हैं वो जोड़ी बना के भेजते हैं, कुछ खुदगर्ज इंसान होते हैं, कुछ वो कहते हैं ना, कुछ खुदगर्ज घमंडी इंसान होते हैं, तो उनको भी खुदगर्ज घमंडी उन्हीं के जैसा टाइप का ऊपर से जोड़ी बन के आती है, भगवान बनाते हैं उनके लिए. ठीक है, तो बस कोई बात नहीं, आगे बढ़ो. अब आगे आपका आगे आता है, अब एक और आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेंशियल है, एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कंसिडरेशन का, कंसिडरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसे ही ऑफर भी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. पॉजिटिव का मतलब कुछ करना, यानी कि डूइंग, नेगेटिव मतलब नॉट डूइंग, कुछ ना करना, इसे हम लोग कहते हैं एब्स्टिनेंस. दस डूइंग इज अ पॉजिटिव एक्ट एंड नॉट डूइंग या एब्स्टिनेंस इज अ नेगेटिव एक्ट. जैसे कि क्रेडिटर कहता है डेटर से कि भाई मैं तुम पे केस फाइल करूंगा, और डेटर कहता है अगर तुम मुझ पे केस नहीं फाइल करोगे, अगर तुम भाई एब्स्टिनेंस करोगे, तो भाई मैं तुम्हें पैसे दूंगा, एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, विद इंटरेस्ट सारा का सारा पैसा लौटा दूंगा. तो ये क्या है, एब्स्टिनेंस है, ये कोई नेगेटिव एक्ट है. ठीक है, यहाँ पे वो फोरवेरेंस कर रहा है, फोरवेरेंस टू सू, किसी को माफ करना, पूरी अपनी यहाँ पे उसकी तरफ पूरा अपना मतलब जो कहते हैं ना उसको कंपैशन दिखाना करुणा भाव से, कि भाई भाई बहुत सारा कोरोना चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ भाई कि तुम पे क्या बीत रही है, तुम्हारा जो बिजनेस है, तुम्हारा जिस नेचर का बिजनेस है, ऐसे बिजनेस में बहुत मुश्किल हो जाता है, तुम्हारी शॉप बंद रही है और तुमने काफ़ी सारे जो तुम्हारे एम्प्लॉइज थे उनको तुमने निकाल दिया था, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द कि तुम्हारी पेइंग कैपेसिटी कम है इस टाइम. ठीक है, तो यहाँ पे एब्स्टिनेंस ये क्या है, एक नेगेटिव काइंड ऑफ ऑफर है, नेगेटिव काइंड ऑफ प्रपोजल है. नंदलेस बोथ दीज एक्ट्स हैव द सेम इफेक्ट इन द आईज ऑफ लॉ, तो इनको भाई बिल्कुल सेम माना जाता है, ये भाई एक वैलिड ऑफर कहलाए जाते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक पर्सन है, और ये जो पर्सन है इसका नाम है ए, ये जो कार में बैठे हुए हैं इनका नाम है ए, और ये जो भाई स्कूटर पे बैठे हुए हैं इनका नाम है बी. होता क्या है, ए जो है ए यहाँ पे अपनी कार चला रहे होते हैं, और इतने में क्या होता है, ए जो है ए के पास किसी का फ़ोन आ जाता है, और ड्राइव करते हुए वो ड्राइविंग सीट पे बैठे होते हैं और किसी का फ़ोन उठा लेते हैं, और यहाँ पे उनकी वाइफ का फ़ोन आ जाता है, तो कहते हैं भाग्यवान मैं अपनी कार ड्राइव कर रहा हूँ. इतने में क्या होता है, इतने में एक स्कूटर पीछे, मतलब स्कूटर बस खड़ा हुआ होता है, और ये जाके पीछे से स्कूटर को ठोक देते हैं, पीछे से स्कूटर से भिड़ जाते हैं. अब जैसे ही यहाँ पे स्कूटर पे ये भिड़ जाते हैं, तुरंत ही ये जो बी बैठा हुआ होता है स्कूटर पे ये गिर जाता है, और ये बोलता है उई 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 चोट लग गई मेरे ठीक है, और यहाँ पे तुरंत ही भीड़ होना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे लोग एकाग्रित होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बंदा है ये कहता है कि भाई तुमने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया है, मैं तुम पर केस फाइल करूंगा, अब भाई तुम्हारे पीछे मैं पड़ जाऊंगा, अब मैं तुम्हें कोर्ट में लेके चलूंगा. बी जो है बी ए को धमकी देता है कि मैं तुम पर केस फाइल करूंगा, आई विल सी यू इन द कोर्ट, आई विल सी यू.
मैं तुम पर मुकदमा दर्ज करूंगा। तो ए जो है ए कहता है, भाई क्यों मेरे पे मुकदमा दर्ज करोगे, क्यों मेरी शिकायत करोगे, मेरा नाम क्यों बदनाम करोगे, आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं यार। तो यहां पे ए जो है ए फिर बी को ऑफर देता है, इफ यू डोंट फाइल अ केस अगेंस्ट मी आई विल पे द रिपेयर चार्जेस। अगर तुम मुझ पे केस फाइल नहीं करोगे तो जो भी तुम्हारा नुकसान हुआ है, जो भी तुम्हारे डैमेजेस हुए हैं, जो भी तुम्हारे स्कूटर पे खरोच आई है, या जो भी तुम्हारे स्कूटर का कोई पार्ट टूट गया है, या जो भी तुम्हें चोट लगी है, मैं इस सब की भरपाई करूंगा, मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगा। तो ए जो है ए यहाँ पे ऑफर दे रहा है, एक तरीका ये निगेटिव ऑफर है। तो देखो भाई क्या है, When A asks B after his car meets with an accident with B's scooter not to go to court and he will pay the repair charges to B for the damage to B's scooter, it is an act of not doing or abstinence। ठीक है, इसे हम कहते हैं abstinence। तो यहां पे abstinence किसके पार्ट पे है, abstinence on the part of B। अगर B कोर्ट में नहीं जाएगा तो यहाँ पे उसके रिपेयर चार्जेस वगैरह और बिल्कुल पूरी भरपाई वगैरह करेगा। ए यहाँ पे ऑफर दे रहा है, ठीक है। और एक होता है आपका पॉजिटिव ऑफर, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹3 lakh इज एन एक्ट ऑफ डूइंग। सो इन दिस केस ए इज मेकिंग एन ऑफर। तो एक्ट ऑफ डूइंग इज अ पॉजिटिव ऑफर, एक्ट ऑफ नॉट डूइंग समथिंग इज अ नेगेटिव ऑफर। तो ये होता है आपका ऑफर। अब यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। तो यहाँ पे आप ये जो स्क्रीन देख रहे हो, यहाँ पे आप लिख देना डिस्प्ले ऑफ गुड्स, डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन स्टोर, ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको समझा देता हूं ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर इन दोनों में क्या फर्क होता है, ये होता क्या है। पहली बार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग के मन में कंफ्यूजन होता है CA फाउंडेशन स्टूडेंट के बारे में, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज की क्लास देखने के बाद आपके मन में 1% डाउट भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो भाई क्या होता है ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। सबसे पहले ऑफर का मतलब क्या होता है आपको पता है, इनविटेशन टू ऑफर इसका मतलब क्या होता है। तो यहां पे इनविटेशन टू ऑफर का मतलब होता है किसी को ऑफर देने के लिए इनवाइट करना कि आप आइए हमारे लिए ऑफर दीजिए किसी को। यहाँ पे लिख लो हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है, नहीं तो बाद में भूल जाते हैं बच्चे। किसी को ऑफर देने के लिए इनविटेशन देना, देने के लिए इनवाइट करना कि आप आइए हमको ऑफर दीजिए। ये मतलब होता है इनविटेशन टू ऑफर का मतलब, ठीक है। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में क्या फर्क होता है। देखो ऑफर जो होता है, ऑफर से पहले की जो स्टेज होती है उसे हम लोग कहते हैं इनविटेशन टू ऑफर, यानी कि इसको भी आप लिख लो, ऑफर से पहले की स्टेज होती है आपकी इनविटेशन टू ऑफर। यानी कि यहां पे जैसे कि मैं आपसे कहता हूं कि आप आइए और मुझे ऑफर दीजिए, तो मैं आपको यहां पे इनवाइट कर रहा हूं और फिर आप उसके रिस्पांस में मुझे ऑफर दोगे। तो इनविटेशन टू ऑफर के रिस्पांस में ऑफर आता है। तो यहां पे जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है, यानी कि स्टेज वन में होता है भाई इनविटेशन टू ऑफर, और इसके रिस्पांस में आता है
स्टेज टू इसके रिस्पांस में आता है ऑफर, और ऑफर के रिस्पांस में क्या आता है स्टेज थ्री, ऑफर के रिस्पांस में आती है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस। ऑफर या तो एक्सेप्ट हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। तो यहां पे सबसे पहले स्टेज वन, फिर स्टेज टू, फिर स्टेज थ्री। इनविटेशन के रिस्पांस में आता है ऑफर, और ऑफर के रिस्पांस में आता है आपका एक्सेप्टेंस। इनविटेशन टू ऑफर के रिस्पांस में आता है ऑफर, और ऑफर के रिस्पांस में आती है आपकी एक्सेप्टेंस। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो इस एग्जांपल में भी, ये जो आप एग्जांपल देख रहे हो, गुड्स डिस्प्लेड इन स्टोर, या आप जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, आप कहीं किसी मॉल में जाते हो, तो मॉल में जैसे कि आप कहीं कुछ आपको क्लॉथ परचेस करने हैं, कुछ कपड़े आपको खरीदने हैं, तो आप जिस भी शॉप में जाते हो वहां पे आप मैनीक्विन को देखते हो। मैनीक्विन आपको पता होगा क्या होता है, मैनीक्विन, मैनीक्विन वियरिंग क्लॉथ्स, जैसे कि आप ये देख सकते हो, बड़ी छोटी है ये, तो ये देखो ये ज्यादा बढ़िया है। ये करके दिखाओ, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, इसको और बड़ा करते हैं। तो यहां पे आप देख रहे हो बहुत सारी कन्याएं हैं, बहुत सारी लेडीज हैं, यहां पे ये सारी की सारी मैनीक्विन है, ये कोई रियल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये बस पुतले हैं। तो आप किसी शॉप में जाते हो, शॉप के बाहर क्या करते हैं, यहाँ पे ये ड्रेस को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे मैनीक्विन जो होते हैं, यानी कि जो भी पुतले होते हैं, उनको कपड़े पहना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कपड़े पहना देते हैं, और मान लीजिए इसको मैं यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हो ब्लैक में, इसको मैं टी शर्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इतनी सारी लड़कियाँ हैं और एक लड़का भी है, एक ये लड़का है, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9:1, वाह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैनीक्विन है, और मान लो आप एक बॉय हो, और आपको ये जो शर्ट है, ये जो पहना हुआ है, ये जो मैनीक्विन यहाँ पे ये जो शर्ट पहना हुआ है, आपको ये शर्ट बहुत पसंद आ जाती है, आपका इस पे दिल आ जाता है, और आपकी बहुत इच्छा कर रही है, आपकी अंतरात्मा, आपके अंदर से आपका रोम रोम कह रहा है कि मुझे ये टी शर्ट, मुझे ये शर्ट खरीदनी है, टी शर्ट नहीं शर्ट है, मुझे ये शर्ट खरीदनी है। तो आप किसी मॉल में हो, आप ऐसा इमेजिन करो, आप किसी मॉल में हो, और मॉल के बाहर एक पुतला है, एक मैनीक्विन है, वो शर्ट पहना हुआ है, और आपको शर्ट बहुत पसंद आ जाती है, आपका बहुत मन करता है कि मैं यही शर्ट पहनूंगा, मैं कभी भी ऑफिस जाऊंगा तो मैं यही शर्ट पहन के ऑफिस जाया करूंगा, आपका बहुत मन कर रहा है। अब वो जो शर्ट है, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर वन, ठीक है, मैनीक्विन, ठीक है, मैनीक्विन इन शोरूम वियरिंग ड्रेस, ठीक है, और इसका मान लो प्राइस दे रखा है 2500 की पूरी ये शर्ट है। तो आप मॉल में जाते हो, मॉल में आपको मैनीक्विन दिखता है शर्ट पहने हुए, और आपको ये शर्ट बहुत पसंद आती है, आपके अंदर पूरी इच्छा हो रही है कि आपको इस शर्ट को खरीदना है, आप इस शर्ट को खरीदे बिना वापस घर पे नहीं जाओगे। अब आप क्या करते हो, आप जाते हो इस शोरूम में, एंटर करते हो, और शोरूम में एंटर करने के बाद आप कहते हो कि जो मैनीक्विन पहना हुआ है ना, ये जो वो शर्ट पहना हुआ है ना, इस शर्ट को आप पैक कर दो, मुझे ये शर्ट बहुत पसंद आई है और मैं इस शर्ट को खरीद रहा हूं। ठीक है, आप यहां पे अपनी पूरी फाइनल विलिंगनेस जाहिर कर रहे हो कि भाई मुझे इस शर्ट को खरीदना है, और यहां पे आप सेलर के पास जाते हो, सेलर मना कर देता है, सेलर कहता है भाई हमारे पास ये सिर्फ एक ही पीस है, आपके साइज का ये पीस अवेलेबल नहीं है, आपके साइज की जो शर्ट है वो हमारे पास नहीं है, और हमारे पास सिर्फ एक ही पीस रह गया है इस साइज में, जो कि मैनीक्विन पहना हुआ है, और ये हम बेचने के लिए यहाँ पे, ये जो शर्ट ये जो पहना हुआ है, ये बेचने के लिए नहीं है, ये बस डिस्प्ले करने के लिए है, ये बस लोगों को आकर्षित करने के लिए है। तो सेलर जो है वो आपसे मना कर देता है, और मैनीक्विन का जो साइज होता है वही सेम आपका साइज भी होता है।
लेकिन फिर भी यहाँ पे सेलर मना कर देता है कि भाई हम तो आपको नहीं बेचेंगे, ये भाई हम आपको नहीं बेचेंगे, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, लोगों को आकर्षित करने के लिए है। हाँ, ये जो मैनिक्विन पहना हुआ है इसके और साइजेस अवेलेबल हैं हमारे पास, इसके छोटे साइजेस अवेलेबल हैं, वो आपको आएगी नहीं। तो आप उससे कहते हो कि देखो भाई, ये जो मैनिक्विन पहना हुआ है, ये जो शर्ट पहना हुआ है, ये आपने ऑफर दिया है और मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं। भाई तुम पहले तो ऑफर देते हो, बाद में मना कर देते हो, बाद में ऑफर को रिवोक कर देते हो, बाद में अपना ऑफर वापस ले लेते हो, ऐसे कैसे चलेगा भाई? मैं तुम पर केस फाइल करूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा, कोर्ट से कहूंगा पहले इन लोग, ये लोग ऑफर देते हैं, पहले भाई हमें बहुत अच्छा सा लालच देते हैं, हमारा बहुत मन करता है खरीदने का, जब हम जाते हैं खरीदने के लिए फिर ये मना कर देते हैं। ये साफ साफ मैनिक्विन पहना हुआ है, मेरे साइज का पहना हुआ है, फिर भी ये लोग मुझे शर्ट नहीं दे रहे हैं, पहले ये तो ऑफर दिया तुमने और बाद में ऑफर वापस लेते हो, मैं तो भाई कोर्ट में जाऊंगा। अब मेरा सवाल ये है, क्या भाई आप कोर्ट में केस जीतोगे? तो जो कोई भी कह रहा है कि हाँ भाई हम केस जीत जाएंगे, सबके सब गधे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ दिल पे मत लेना, ऐसे ही बोल रहा हूँ, ठीक है, इससे थोड़ा कुछ लोगों को होता है, थोड़ा फील होता है, गूज़बम्प से होते हैं, ऐसा मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये कोई ऑफर नहीं है, यहाँ पे जो मैनिक्विन जो यहाँ पे है शोरूम में, ये जो मैनिक्विन है शोरूम में वेयरिंग ड्रेस, ये आपका ऑफर नहीं है, ये आपका ऑफर नहीं है, इसे हम लोग कहते हैं कि ये इनविटेशन टू ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर। गुड्स डिस्प्लेड इन शोरूम इज नथिंग बट एन इनविटेशन टू ऑफर। यहां पे आपको इनविटेशन दिया जा रहा है कि आप आइए हमें ऑफर दीजिए। इनविटेशन जो ऑफर है ये शोरूम वाला दे रहा है, यहां पे इनविटेशन टू ऑफर जो है वो सेलर दे रहा है आपको कि आप आइए हमें ऑफर दीजिए। तो ये कोई ऑफर ही नहीं है, ये आपका इनविटेशन टू ऑफर है। ऑफर जो होता है उसमें फाइनल विलिंगनेस होती है, उसमें बिल्कुल आखिरी इच्छा व्यक्त होती है, ठीक है। तो यहां पे इनविटेशन टू ऑफर के रिस्पांस में आपका आता है, इसके रिस्पांस में आ जाता है आपका ऑफर। ऑफर कौन देगा यहां पे? बाई बायर, जो बायर होगा वो यहां पे ऑफर देगा सेलर को, ठीक है। तो यहां पे इनविटेशन टू ऑफर यहां पे सेलर दे रहा है आपको, यानी कि बायर को, और बायर यहां पे इनविटेशन टू ऑफर के रिस्पांस में क्या देता है? ऑफर देता है। और इस ऑफर के रिस्पांस में अब यहां पे जो सेलर है इसके रिस्पांस में सेलर कैन एक्सेप्ट, यानी कि वो एक्सेप्टेंस दे सकता है, और रिजेक्ट द ऑफर ऑफ बायर। तो ये होती है पूरी कहानी, इतना सारा फर्क होता है ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर में। तो यहां पे आपकी जो बुक में जो दे रखा है, यहां पे आप पढ़ोगे तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है, जो आपकी फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है इनविटेशन टू ऑफर की, सेकेंड स्टेज होती है आपके ऑफर की, और थर्ड स्टेज जो होती है वो होती है एक्सेप्टेंस की। तो गुड्स डिस्प्लेड इन स्टोर इट इज नथिंग बट इट इज इनविटेशन टू ऑफर, इट इज इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। ये आपका इनविटेशन टू ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर जो है ये आपको सेलर देता है, और इसके रिस्पांस में क्या होता है? इसके रिस्पांस में बायर ऑफर देता है, ऑफर बाई बायर, इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर बाई सेलर, बाई सेलर, ठीक है। तो इसके रिस्पांस में क्या आता है? इसके रिस्पांस में आता है आपका ऑफर बाई बायर, ठीक है। फिर बाद में यहां पे सेलर जो है वो एक्सेप्टेंस दे सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है आपके ऑफर को, या वो रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। इसके हम और एग्जांपल देखेंगे, मुझे अभी यहां पे आपको और एग्जांपल देने हैं और आपसे क्वेश्चन भी पूछना है। ये तो आपका पहला एग्जांपल था, अब यहां पे मैं आपसे एक दूसरा एग्जांपल पूछता हूं, एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं, एग्जांपल नंबर टू, एग्जांपल नंबर टू। यहां पे मान लो न्यूज़पेपर में एक एड दे रखा है, न्यूज़पेपर में आप एक ऐड देखते हो और इस ऐड में लिखा हुआ होता है बहुत बड़ा बड़ा, वी आर हायरिंग,
ऐसे करके लिखा हुआ होता है। देखना चाहते हो तो देख लो भाई। अभी इस ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसके हम लोग डेप्थ में जाएंगे, बिल्कुल आपके खून में चला जाएगा। जैसे कि आप ये न्यूज़पेपर देख रहे हो, यहाँ लिखा है वी आर हायरिंग और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, क्या ये ऑफर है या ये इनविटेशन टू ऑफर है? सवाल ये है, हाँ या ना में बताइए, क्या ये ऑफर है? जो लोग भी कह रहे हैं कि ये सर ये ऑफर है, वो सारे के सारे गलत हैं। ये ऑफर नहीं है, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। ये इनविटेशन टू ऑफर है, ये जो एड है ना पूरा, ये इनविटेशन टू ऑफर है। इट इज नॉट एन ऑफर, इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर। इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर। यहां पे ऑफर दिया जा रहा है पूरी पब्लिक को कि आप आइए हमें ऑफर दीजिए। इनविटेशन टू ऑफर बाय हायरिंग एजेंसी या हायरिंग कंपनी या हायरिंग पर्सन, हायरिंग कंपनी लिख देता हूं, ठीक है। तो यहां पे जो भी कंपनी आपको हायर करना चाह रही है, वो आपको यहां पे इनवाइट कर रही है कि आप आइए हमें ऑफर दीजिए। आपको इसके रिस्पांस में क्या करना है, आपको जो भी एप्लीकेंट्स होंगे यानी कि जिनको भी यहां पे इंटरव्यू देना है, साथ साथ में यहां पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी होंगी, जैसे कि यहां पे लिखा होगा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड कि भाई जो बंदा सीए होगा, जिसका सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला होगा या सेकंड अटेम्प्ट में निकला होगा, उसको ही हम हायर करेंगे, तो ये क्वालिफिकेशन होंगे। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट्स होंगे, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, ठीक है, वो यहाँ पे ऑफर देंगे। ऑफर कैसे देंगे? एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट इनविटेशन। कैसे? बाई गिविंग इंटरव्यू, बाई गिविंग इंटरव्यू। तो यहां पे ये जो इंटरव्यू दे रहे हो, ये क्या कर रहे हो? आप ऑफर दे रहे हो। ये क्या है? ये है भाई आपका ऑफर टू कंपनी, ऑफर टू कंपनी। आप यहां पे अब ये जो आप इंटरव्यू देने दे रहे हो, अब यहां पे आप ऑफर दे रहे हो कि आप मुझे एक्सेप्ट भी करिए या हमें रिजेक्ट करिए, या तो आप हमें रिक्रूट कर लीजिए या हमें रिक्रूट मत करो, ठीक है। तो यहां पे क्योंकि भाई हो सकता है कि आपसे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वहाँ पे कैंडिडेट बैठे हों, ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा बंदा हो जिसने भाई फर्स्ट अटैम्प में दोनों ग्रुप क्वालिफाई कर लिए हो, कोई ऐसा हो जिसने भाई बहुत सारे मल्टीपल अटैम्प लगे हों, तो जाहिर सी बात है भाई फर्स्ट अटैम्प वाले को प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑफर दे रही है कंपनी। आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपने न्यूज़पेपर में ऐड निकाला था वी आर हायरिंग, आपने न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा बड़ा लिखवाया कि भाई आप हायर कर रहे हो, आपने लिखवाया कि भाई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड जो है, क्वालिफिकेशन है भाई आपका सीए होना चाहिए। तो भाई आप जाते हो कंपनी के पास और कंपनी से कहते हो भाई मैं सीए हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, आप मुझे जॉब दो, जॉब दो, जॉब दो। कंपनी कहेगी भाई भागो यहां से, ये कोई ऑफर नहीं है, हमने आपसे नहीं कही, हमने आपसे नहीं कहा कि भाई आप, हम आपको ही लेंगे, ये भाई ऑफर था। आप जाते हो कोर्ट में, आप कहते हो भाई यहाँ पे ये जो कंपनी है, इस कंपनी ने न्यूज़पेपर में ऐड निकाला था, इन्होंने लिखा था वी आर हायरिंग और साथ में यहाँ पे लिखा था कि क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को भाई यहाँ पे जॉब पे रखेंगे। तो कोर्ट साफ साफ कह देगा भाई ये ऑफर ही नहीं है, इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। यहाँ पे कंपनी आपको इन्वाइट कर रही है कि आप आइए हमारे पास और हमें ऑफर दीजिए, आप आइए हमारे पास और इंटरव्यू दीजिए, और फिर आप जब ऑफर दोगे तो उस ऑफर को कंपनी एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। कंपनी कह सकती है आपसे कि भाई हमारे पास कोई बेटर कैंडिडेट अवेलेबल है, या आपको इंटरव्यू थोड़ा अच्छा नहीं हुआ है, आपने आंसर सही से नहीं दिए हैं, तो यहाँ पे आपके वो ऑफर को एक्सेप्ट कर भी सकती है या रिजेक्ट भी कर सकती है। अगर वो आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि आपका रिक्रूटमेंट हो गया, आपका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट द ऑफर। एक्सेप्ट का मतलब रिक्रूटमेंट हो गया, या रिजेक्ट मतलब नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। कंपनी कैन एक्सेप्ट रिजेक्ट द ऑफर ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर टू।
एग्जाम्पल नंबर थ्री में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। एग्जाम्पल नंबर थ्री, न्यूज़पेपर ऐड की ही बात करूंगा आपसे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इस ऐड की, ये जो जेठालाल जो गुम हो गए हैं, जिनके ऊपर चंपकलाल जी ने 5000 का रिवॉर्ड ये इनाम घोषित किया है, ठीक है, इस वाले ऐड की मैं यहां पे आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो यहां पे न्यूज़पेपर में ऐड दिया जाता है, न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा बड़ा ऐड दिया जाता है, ₹5000 रिवार्ड फॉर ट्रेसिंग मिसिंग पर्सन। आपको ये बताना है क्या ये ऑफर है या ये इनविटेशन टू ऑफर है, क्या ये ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है। जिसने भी ये एड निकलवाया है 5000 का इनाम का ऐलान घोषित करते हैं, अगर भाई कोई भी इस मिसिंग पर्सन को ढूंढ के इसको ट्रेस करके हमारे पास लेके आता है या इसका पता बताता है, तो हम भाई 5000 का उसे रिवॉर्ड देंगे। क्या ये ऑफर है या ये इनविटेशन टू ऑफर है, क्या यहाँ पे वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आइए और हमें आके ऑफर दीजिए, क्या ऐसा है। जितने लोग कह रहे हैं कि सर ये ऑफर है, ये इनविटेशन टू ऑफर नहीं है, वो सबके साथ मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दिस इज एन ऑफर, ये भाई ऑफर है, ये ऑफर है, इट इज नॉट एन इनविटेशन टू ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर ये नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर बिल्कुल नहीं है, ये भाई ऑफर है, क्योंकि यहां पे वो आपको इनवाइट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इनवाइट वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि उन्होंने भाई साफ साफ यहाँ पे 5000 रिवॉर्ड यहाँ पे इनाम घोषित कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस ये करनी है कि आपको बस ट्रेस करना है, आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस करनी है और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसके बदले में कुछ ऑफर वगैरह नहीं देना है, आप उससे ये नहीं कर सकते कि मुझे 5000 नहीं, मुझे तो भाई 10000 देना है, ऐसा आप उनसे नहीं कर सकते। यानी कि आप यहाँ पे काउंटर ऑफर नहीं दे सकते, काउंटर ऑफर अभी आगे आएगा कि ऑफर के बदले ऑफर। आप ये नहीं कह सकते मुझे 5000 नहीं, अगर आप 10000 मुझे दोगे तब मैं भाई इसको ढूंढूंगा, भाई 5000 का रिवॉर्ड यहाँ पे घोषित है, 5000 ही यहाँ पे आपको मिल सकते हैं, यहाँ पे आप बदले में ऑफर नहीं दे सकते, यानी कि ये कोई इनविटेशन टू ऑफर है ही नहीं पहली बात तो, ठीक है। ऑफर जो होता है, ऑफर में आप देख सकते हो ये जो ऑफर है न्यूज़पेपर में जो ऐड निकला हुआ है, ये जो ऑफर है ये ऑफर की स्टेज है, इसमें कोई भी इनविटेशन टू ऑफर नहीं है। इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर में क्या फर्क है, ऑफर में क्या होता है, फाइनल विलिंगनेस होती है। यहां पे ये जो रिवॉर्ड घोषित किया हुआ है ना, ये दर्शाता है फाइनल विलिंगनेस की, भाई हम 5000 का ही रिवॉर्ड देंगे अगर आप ट्रेस करोगे, ये फाइनल विलिंगनेस है, ये फाइनल ऑफर है। अगर कोई ऑफर फाइनल नहीं होता है तब हम उससे कहते हैं कि ये इनविटेशन टू ऑफर है। जैसे कि भाई यहाँ पे गुड्स डिस्प्लेड इन स्टोर, जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था, कौन सा एग्जांपल देखा था, ये मैनिक्विन वाला, कि कोई मैनिक्विन यानी कि कोई पुतला जो है वो ड्रेस पहना हुआ है, यहाँ पे ये फाइनल विलिंगनेस नहीं जाहिर कर रहा है आपसे, ये बस आपको इन्वाइट कर रहा है, ऑफर से पहले की स्टेज है। ऐसे ही यहाँ पे ये जो न्यूज़पेपर में ऐड लिखा हुआ था, वी आर हायरिंग, This is not a final willingness. ये कोई final willingness नहीं है, ये आखिरी इच्छा नहीं है, ठीक है। वो यहाँ पे बस आपको invite कर रहे हैं, आप आइए interview दीजिए आके, ठीक है। जितने भी यहाँ पे 3 round है interview के, तीनों round पहले complete करिए और फिर हमारे पास ये option है, हम चाहें तो आपके offer को accept कर सकते हैं, reject कर सकते हैं, आपको recruit कर सकते हैं, recruit ना कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि better candidates available हों, ठीक है। तो यहाँ पे final willingness is the most important thing। एक और example लिखते हैं, simple सा example, इसका answer तो हर कोई बता देगा, ठीक है। Amazon या Zomato प्लस स्विगी, यानी कि स्विगी
आप जोमेटो पे देखते हो बहुत अच्छे अच्छे पिज्जाज आपको दिख रहे हैं, स्विगी पे देखते हो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे समोसा वगैरह दिख रहे हैं, समोसा नहीं लिखते हैं यहाँ पे, बर्गर आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और अमेज़ॉन की जब आप साइट पे देखते हो तो जैसे ही आप अमेज़ॉन खोलते हो तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो वहाँ पे आपको स्मार्टफोन दिखेगा, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, क्या है ये, ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? ये आपका इनविटेशन टू ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। और जैसे ही आप ये जो प्रोडक्ट जहां पे दे रखा होगा, जैसे ही यहां पे आप इसको क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई ये स्टॉक में है या स्टॉक में नहीं है। और उसके बाद जैसे ही आप ऐड टू कार्ट करोगे, ऐड टू कार्ट करने के बाद जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे, ऑर्डर प्लेस्ड, जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करोगे इसका मतलब यू हैव गिवन द ऑफर। और इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, ऑर्डर या तो एक्सेप्ट भी हो सकता है या रिजेक्ट भी हो सकता है। हो सकता है मान लो सिर्फ स्टॉक में सिर्फ एक आइटम बचा हुआ हो, और जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हो, जैसे ही आप पेमेंट करने जा ही रहे होते हो, उससे पहले ही क्या होता है, वो ऑर्डर ऑलरेडी एक्सेप्ट हो चुका होता है, यानी कि जो एक आइटम बचा हुआ होता है स्टॉक में वो ऑलरेडी खत्म हो चुका होता है। अब यहाँ पे आप कंपनी के पास नहीं कह सकते जाके कि भाई तुमने ऑफर दिया था मुझे, तुमने मुझे ऑफर दिया था, आप तुम्हें देना ही पड़ेगा, एक आइटम बचा हुआ था जब मैंने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया था, आप तुम्हें देना ही पड़ेगा। लड़ाई नहीं लड़ सकते क्योंकि वो साफ साफ कह देगा इट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर, ठीक है। तो ऑर्डर प्लेस के बाद ऑर्डर वो एक्सेप्ट कर सकता है या ऑर्डर रिजेक्ट कर सकता है। अगर आपका ऑर्डर एक्सेप्टेड आ जाता है वहां पे लिखे ग्रीन ग्रीन कलर का, कॉन्ग्रेचुलेशन, तब यहां पे क्या होता है, आपका ऑफर जो होता है, ऑफर यहां पे एक्सेप्ट हो गया, ऑफर एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले ये जो डिस्प्ले है इसके रिस्पांस में ऑफर आया, इनविटेशन टू ऑफर के रिस्पांस में ऑफर आया, और फिर इसके रिस्पांस में आपकी एक्सेप्टेंस आई। ये था आपका एग्जांपल नंबर 4। एक और एग्जाम्पल प्लीज, बस ये लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है ये है ऑक्शन सेल का, न्यूज़पेपर में ऐड आता है, न्यूज़पेपर में ऐड आता है, लिखा हुआ आता है बहुत बड़ा बड़ा पेंटिंग फॉर ऑक्शन, और वहाँ पे एड्रेस दे रखा होता है कि भाई इस एड्रेस पे आपको आना है और यहाँ पे आपको अपनी बोली लगानी है, यानी कि बिट्स देनी है। तो ये जो न्यूज़पेपर में ऐड लिखा हुआ है ये तो आसान है, ये तो बता दोगे भाई तुम लोग। पेंटिंग जो है, पेंटिंग का या कोई एंटीक आइटम है उसका ऑक्शन हो रहा है, वो ऑक्शन पे बिकेगी, ये क्या है, क्या ये ऑफर है या ये इनविटेशन टू ऑफर है? मैं आपको बताऊं, जो भी लोग घपलेबाजी करते हैं, जो भी लोग कुछ ना कुछ जैसे कि लोन का डिफॉल्ट कर देते हैं, जैसे कि कंपनी है, कंपनी ने बहुत सारा कर्जा ले रखा है और बैंक से बहुत बड़ा लोन ले रखा है, अब जो पैसा जो पेमेंट करना है, जो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है वो कंपनी पे नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक जो होता है, बैंक के पास ये राइट होता है कि पहले तो वो नोटिस देगी, कई सारे नोटिस देगी, उसके बाद रिकवरी करने के लिए क्या करेगी, जो भी उनकी प्रॉपर्टी होगी उस प्रॉपर्टी को वो बेचेगी। कैसे बेचेगी, ऑक्शन करके, नीलामी करेगी। ऑक्शन को बोलते हैं नीलाम करना, नीलामी करना। तो यहाँ पे ये जो एड है क्या है, ये क्या ये ऑफर है या ये इनविटेशन टू ऑफर है? इट इज माई डियर, मेरा बच्चा, ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर। दे आर इनवाइटिंग यू टू प्लेस बिड्स, दे आर इनवाइटिंग पीपल टू मेक अ बिड। आइए बोली लगाइए, ठीक है। तो ये क्या है, ये भाई आपका इनविटेशन टू ऑफर है। इसके रिस्पांस में क्या आता है, इसके रिस्पांस में आता है ऑफर, पार्टिसिपेटिंग द ऑक्शन, ये क्या है, ऑफर है, ऑफर, ये ऑफर है, ऑफर बाय पार्टिसिपेंट। तो इसके रिस्पांस में ऑफर आया और इसके रिस्पांस में एक्सेप्टेंस आएगी। अब यहाँ पे पार्टिसिपेटिंग में क्या होगा, वो यहाँ पे बिड्स देगा, अपनी बिड प्लेस करेगा, ठीक है।
तो ये जो बिड प्लेस कर रहा है ये क्या कर रहा है, जैसे जैसे वो अपनी बिड लगाएगा, जैसे जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे यहाँ पे बड़ा सा लिखा होगा कि भाई यहाँ पे लिखा होगा बहुत बड़ा बड़ा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ आपको, जैसे कि पेंटिंग का ऑक्शन हो रहा है और यहाँ पे वो बड़ा बड़ा लिखता है रुपीज 2.5 लाख। तो क्या होता है जब वो ऑक्शन में जाते हैं तो वो कहते हैं भाई निकालिए लगाइए भाई बोली लगाइए, तो आप क्या करते हो आप वहां पे ऐसे अपना ऊपर करते हो कहते हो 2.5 लाख। तो वहां पे जो भी ऑक्शनियर होता है वो क्या करता है, उसके पास एक हैमर होता है और हैमर उठा के बोलता है 2.5 लाख, एक 2.5 लाख, दो, फिर कोई तीसरा पर्सन आता है वो कहता है भाई 2.8 लाख, 2.8 लाख, 2.8 लाख। तो फिर जो ऑक्शनियर होता है वो फिर से बोलता है 2.8 लाख 1, 2.8 लाख 2, 2.8 लाख 3। जैसे ही हैमर गिरता है, मान लो इसको ये हैमर है, जैसे ही हैमर गिरता है यानी कि फॉल ऑफ हैमर का मतलब होता है यहां पे एक्सेप्टेंस हो गई है, यहां पे सेल कंक्लूड हो चुकी है, सेल कंक्लूडेड, बल्कि ऑक्शन सेल कंक्लूडेड। और कौन बताएगा ये कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है, बताओ भाई कौन से टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है ये, ऑप्शन ए, ये भाई आपका एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन बी, ये भाई आपका टेसीट कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शन सी, ये आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। सिंपल है भाई इसका, जो लोग कह रहे हैं कि सर ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है सबके सब नालायक है गधे, जो लोग कह रहे हैं सर ये एक्सप्रेस ऑफर है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है वो भी नालायक है, ये दरअसल आपका टेसीट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे पार्टीज ना तो कुछ बोलती हैं ना कुछ लिखती हैं, ना ही यहाँ पे लॉ कोई ऑब्लिगेशन इम्पोज कर रहा है, तो ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, साथ में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ये आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का ही जो पार्ट होता है ये आपका टेसीट कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे पार्टीज ना तो कुछ बोल रही ना कुछ लिख रही हैं, यहाँ पे हैमर का गिरना, हैमर के गिरने से यहाँ पे सेल कंक्लूड हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका टेसीट कॉन्ट्रैक्ट है। अब बेटा हम लौट के आते हैं अपनी बुक पे, ठीक है, और अभी समय कितना हो रहा है भाई, समय भाई 1 घंटा हो चुका है और मैं इसके बाद यहाँ पे समय देखो 1 घंटा हो चुका है और एक आपकी 40-45 मिनट की एक क्लास और रिकॉर्ड हो चुकी है जिसको आगे प्ले करूँगा मैं, उसमें मैं एक केस को पूरे सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया ऑफ़र क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफ़र क्या होता है, ये बस आपका ये ट्रेलर था, अभी पूरी कहानी इसकी बाकी है, इसके हम और डेप्थ में जाएंगे और गहराई में जाएंगे, ठीक है। तो ये बस आपको एक तरीके से मैंने आपके माइंड में फीड कर दिया है कि इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है, ऑफर क्या होता है। इनविटेशन टू ऑफर जो होता है वो ऑफर से पहले की स्टेज होती है, ठीक है। तो इनविटेशन टू ऑफर, सेलर यहाँ पे इनविटेशन टू ऑफर देता है, फिर बायर के पास, बायर क्या करता है, बायर फिर सेलर को ऑफर देता है, फिर सेलर उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ ऑफर, ऑफर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो ऑफर कैसे बनता है, दूसरा आप ऑफर किसको देते हो, ऑफर कैसे बनता है, ऑफर कैसे देते हो आप, क्या आप बोल के ऑफर देते हो या आप लिखकर ऑफर देते हो या आप इंप्लाइड ऑफर देते हो, या ना तो आप कुछ बोलते हो ना कुछ लिखते हो लेकिन आप ऐसे ही शांत होके बिल्कुल साइलेंट ऑफर देते हो। तो एक तो होता है आपका एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस ऑफर भाई ओरल भी हो सकता है यानी कि बाय वर्ड ऑफ माउथ हो सकता है या रिटन भी हो सकता है। एक्सप्रेस ऑफर बहुत ही सिंपल है, एक्सप्रेस ऑफर में जैसे कि यहाँ पे आप बोल कर मेरे को यहाँ पे ऑफर देते हो कि सर क्या आप मुझे 2000 रुपीज में पूरी बिजनेस लॉ पढ़ाओगे, यहाँ पे आप बोल कर ऑफर दे रहे हो, आप एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी विलिंगनेस, ठीक है। तो ये आपका ओरल ऑफर है, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ, और मैं भी यहाँ पे एक्सेप्टेंस ओरल दे देता हूँ आपको कि हाँ भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा,
तो यहाँ पे मेरा वर्ड ऑफ माउथ चल रहा है कि हाँ भाई मैं आपको पढ़ाऊंगा, वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। इसके बाद या तो भाई ये रिटन हो सकता है, ऑफर जो होता है वो रिटन में भी हो सकता है, ठीक है। आप रिटन में भी ऑफर यहाँ पे दे सकते हो, आप मुझे ईमेल करके कि सर क्या आप मुझे ईमेल करते हो, ईमेल पे लिख लिख के देते हो कि सर विल यू टीच मी फॉर ₹2000। आप यहाँ पे लिख कर अपनी विलिंगनेस जाहिर कर रहे हो और मेरी यहाँ पे आप सहमति लेना चाह रहे हो कि सर क्या आप मुझे पढ़ाओगे या नहीं पढ़ाओगे, ठीक है। तो क्या है ये, एक्सप्रेस ऑफर है। इसको इम्प्लाइड ऑफर में आपको पहले भी इसका एग्जांपल दे चुका हूँ। इम्प्लाइड ऑफर जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो बस स्टॉप पे जो बस खड़ी हुई होती है बस स्टॉप पे जैसे ही बस आती है, बस यहाँ पे कुछ आपसे बोल नहीं रही है, बस यहाँ पे कुछ भी आपसे बोल नहीं रही है, बस यहाँ पे कुछ भी लिख नहीं रही है, बस आपके सामने आके खड़ी हो जाती है बस स्टॉप पे। तो यहाँ पे ये क्या है, ये भाई एक साइलेंट ऑफर है, ये आपका इम्प्लाइड ऑफर है, ये आपका इम्प्लाइड ऑफर है। बस सीधा आके बस स्टॉप पे खड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पे ऑफर को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, जैसे ही आप बस के अंदर बैठ जाओगे इसका मतलब आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, ये होता है इम्प्लाइड ऑफर। या मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया था ऑटो रिक्शा का, अगर आपको ध्यान हो, ऑटो रिक्शा या टैक्सी, तो टैक्सी जैसे ही आपके सामने टैक्सी आती है, ठीक है, और वो टैक्सी एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही जाती है, मतलब वो जो टैक्सी है, वो जो ऑटो है, वो सिर्फ स्टेशन जाता है या वो सिर्फ और सिर्फ स्टेशन के चक्कर मारता है, मतलब उस चौराहे से लेकर स्टेशन जाता है, स्टेशन से वापस उस चौराहे पे जाता है, या वो सिर्फ सिर्फ जो भी आपका एयरपोर्ट है वहाँ पर जाता है, एयरपोर्ट से वापस वहीं पर आ जाता है, ठीक है, और आपको ये बातें पता है, तो ना तो आप कुछ उससे बोलते हो ना वो आपसे कुछ बोलता है, आपके सामने सिर्फ वो टैक्सी खड़ी हुई है, आप चुपचाप जाते हो और उसमें टैक्सी में बैठ जाते हो पीछे जाके। तो यहाँ पे एक तरीके से वो आपको साइलेंट ऑफर दे रहा है, इम्प्लाइड ऑफर दे रहा है, ठीक है। ये होता है आपका इम्प्लाइड ऑफर। इसके बाद ऑफर जो होता है, ऑफर आप किसको देते हो, क्या आप किसी व्यक्ति विशेष को ऑफर देते हो, सिर्फ एक पर्सन को ऑफर देते हो, जैसे कि आप मुझसे कहते हो कि सर आप क्या आप मुझे बिजनेस लॉ पढ़ाओगे, तो यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑफर दे रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप CA सत्यप्रकाश को ऑफर दे रहे हो, आप किसी भी और फैकल्टी को ऑफर नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ मेरे से पूछ रहे हो सर क्या आप मुझे बिजनेस लॉ पढ़ाओगे। आप यहाँ पे अंकिता मैम से ऑफर नहीं दे रहे, आप यहाँ पे अंकिता मैम को ऑफर नहीं दे रहे हो, आप यहाँ पे कोई और टीचर हैं उनका ऑफर नहीं, उनको ऑफर नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को ही ऑफर दे रहे हो। इसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ऑफर, जब ऑफर किसी एक पर्सन का होता है। मान लो आपने ऑफर दिया अंकिता मैम को और मैं कहता हूँ कि भाई मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता। आपने सिर्फ और सिर्फ अंकिता मैम से पढ़ने को बोला है, ऐसा नहीं हो सकता अंकिता मैम मुझसे कहें कि तुम मेरे बदले पढ़ा दो, नहीं। यहाँ पे आप स्पेसिफिकली एक व्यक्ति विशेष को ऑफर दे रहे हो, ठीक है। इसका दूसरा होता है आपका जनरल ऑफर या पब्लिक ऑफर। जनरल ऑफर जो होता है वो पब्लिक एट लार्ज के लिए होता है, ये आप बहुत सारे लोगों को ऑफर देते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था मिसिंग पर्सन का जो एडवर्टाइजमेंट था, तो मिसिंग पर्सन का जो एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे पूरी दुनिया को ऑफर दिया जाता है कि आप यहाँ पे ये जो पर्सन जो खो गया है, जो गुम हो गया है, इसको आप ट्रेस करिए। ये क्या है, ये जनरल ऑफर है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर में आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ जनरल ऑफर करेंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग बाद में करेंगे, नहीं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो जनरल ऑफर क्या होता है, जनरल ऑफर जो होता है ये भाई पूरी पब्लिक को दिया जाता है। जैसे कि आपको याद होगा हमारे देश में एक बहुत अच्छे फाइटर हुआ करते थे, पहलवानी में बहुत ही ज़्यादा चैम्पियन, सुशील कुमार जी, आपको पता होगा कौन है सुशील कुमार जी, बताइए। सुशील कुमार जी गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर, ये भाई सुशील कुमार जी हैं। एक सागर धनखड़ नाम का एक और यहाँ पे रेसलर होता है, वो रेसलिंग सीख रहा होता है। तो सागर धनखड़ जो है वो सुशील कुमार को एक तरीके से अपना गुरु मानता था, एक तरीके से वो सुशील कुमार को पूजता था, अपने आप अपना भगवान मानता था। वो चाहता था कि जैसे सुशील कुमार ने पूरे देश का नाम रोशन किया है, सुशील कुमार को जब सिल्वर मेडल मिला तो इनको बहुत सारे
एक तो इनाम बहुत मिले, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वहाँ पे, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो मंत्री हैं उन्होंने इनाम दिया है, साथ में जो और रेपुटेड लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पे, जो भी बिजनेसमैन जो होते हैं उन्होंने भाई देश का नाम ऊंचा करने के लिए, गर्वित महसूस करवाने के लिए बहुत सारे इनाम दिए, करोड़ों रुपये इनको मिले। ठीक है, तो इनके एक बहुत बड़े फैन हुआ करते थे जिनका नाम था सागर धनखड़। तो सागर धनखड़ जो हैं ये क्या करते हैं, सागर धनखड़ सुशील कुमार की जो वाइफ होती है उनके उनके नाम पे एक फ्लैट होता है, उस फ्लैट पे ये सागर धनखड़ रह रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, और ये पेमेंट नहीं करते हैं रेंट का। तो सुशील कुमार जी हैं बहुत धमकी देते हैं उसे और फिर उसे इनवाइट करते हैं कि तुम आओ छत्रसाल स्टेडियम आ जाओ, तो वो नहीं आ रहा होता है। फिर ये ज़बरदस्ती ले जाते हैं उसकी, किडनैप करके उसको और छत्रसाल स्टेडियम में ले जाते हैं, और छत्रसाल स्टेडियम में उसकी बहुत अच्छे से धुनाई करते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत पकड़ के मारते हैं, उसका कोई वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेता है फ़ोन से। तो सुशील कुमार जो होते हैं वो बहुत मारते हैं उसको, जो यहाँ पे सागर धनखड़ होता है उसे इतना मारते हैं कि उसकी थोड़े टाइम बाद मौत हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अपने ही स्टूडेंट की, अपने ही शिष्य की उसका मर्डर कर देते हैं और उसके बाद ये फरार हो जाते हैं। भाई आप फरार हो गए, इसका मतलब ये है कि भाई कुछ तो दाल में काला है। अगर भाई आप फरार हो चुके हो तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, आपने कुछ ना कुछ तो किया है, इसलिए भाई आप भागे हो। तो क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये मर्डर करके भाग जाते हैं। फिर क्या होता है, दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ पे पूरी पब्लिक को एक इनाम का ऐलान घोषित करती है। यहाँ पे दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पे सुशील कुमार का जो भी पता बताएगा, जो भी उनकी लोकेशन बताएगा सुशील कुमार कहाँ पे रहते हैं, जो कोई भी सुशील कुमार का पता बताएगा, जो कोई भी सुशील कुमार को ढूंढ के लाएगा, उसको भाई दिल्ली पुलिस कहती है हम 1,00,000 रुपये का रिवॉर्ड देंगे। तो यहाँ पे ऑफर ये पूरी पब्लिक को दिया हुआ है। सुशील कुमार क्या करते हैं, फिर वहां से भाग जाते हैं। भाई भागे हो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। और यहाँ पे साफ साफ दिल्ली पुलिस बोलती है कि हमारे पास भाई पूरे पूरे सबूत हैं, बहुत ही पक्के सबूत हैं, हमारे पास वीडियो है, हमें पूरा यकीन है कि यहाँ पे जो मर्डर किया है ये भाई सुशील कुमार ने मर्डर किया है, और इस बंदे को जो कोई भी ढूंढेगा, इस बंदे का जो भी लोकेशन बताएगा, इसका पता बताएगा, हम उसे 1,00,000 रुपये का इनाम देंगे। तो यहाँ पे जो सुशील कुमार होता है ये भाग जाता है, एक तरीके से ये भगौड़ा हो जाता है। तो इसके ऊपर क्या होता है, दिल्ली पुलिस रिवॉर्ड घोषित करती है। यहाँ पे ये जो रिवॉर्ड घोषित किया है दिल्ली पुलिस ने, इसे हम लोग कहते हैं जनरल ऑफर। इट इज़ एन ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। यहाँ पे ऑफर ये जो है ये पूरी पब्लिक को दिया हुआ है और कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब जो कोई भी इस एड को देखेगा कोई भी इसको एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी सुशील कुमार को ट्रेस कर सकता है। एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। यहां पे एक्ट क्या परफॉर्म करना है, उसकी लोकेशन पता लगाना, उसको ढूंढना। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट में एक केस दे रखा है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ये जो केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये बहुत ही पुराना केस है, बहुत फेमस केस है, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। इस पूरे केस को मैंने सिलसिलेवार तरीके से सुनाया है, पूरा डेप्थ में, पूरा डिटेल में। आज की वीडियो में मैं आपको एक केस सुनाने जा रहा हूँ। ये जो केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, आपके पूरे बिजनेस लॉ में, आपके पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इस केस का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, और इस केस का जजमेंट आया था 1893 में, यानी कि बहुत पुराना केस है, और इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट सुनाया गया था। इस केस में जो केस फाइल कर रहा है वो बेसिकली एक लेडी है। यहाँ पे जो प्लेंटिफ है यानी कि जो केस फाइल कर रहा है वो बेसिकली एक लेडी है, और इन लेडी का नाम होता है लुइजा एलिजाबेथ कार्लिल। लुइजा एलिजाबेथ कार्लिल कोर्ट में जाके केस फाइल करती हैं, और जिसके खिलाफ केस फाइल करती हैं वो बेसिकली एक कंपनी है जिसका नाम है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। तो यहाँ पे इस केस में जो डिफेंडेंट है वो एक कंपनी है जिसका नाम है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ है वो एक कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। बहुत पुराना केस है, अंग्रेजों के जमाने का केस है। ठीक है, तो इस पूरे केस को मैं आपके सामने कहानी के रूप में पेश करूंगा, बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से, कि इस पूरी कहानी में क्या क्या होता है, कहानी में कौन कौन से मोड़ आते हैं, कहानी में ये जो कार्लिल है कोर्ट में कैसे सुनवाई होती है, कार्लिल के जो वकील होते हैं वो कोर्ट में क्या दलीलें देते हैं कोर्ट में, और साथ में जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है इसके जो बहुत महंगे वकील होते हैं वो कोर्ट में क्या क्या दलीलें देते हैं, और कोर्ट उन दलीलों को कैसे खारिज करता है, और एंड में जजेस क्या फैसला सुनाते हैं, इस सब को मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं। तो इस कहानी को मैं शुरुआत करता हूं, इस कहानी की शुरुआत होती है 1889 से।
1889 में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैला हुआ था, एक बहुत खतरनाक ग्लोबल पैंडेमिक आया था 1889 में। जैसे कि हमारा अभी 2019 में COVID-19 कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ था, पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा था, काफ़ी लोग इससे बहुत जल्दी बीमार हो रहे थे। और यहाँ पे कोरोना वायरस में आपको पता है बहुत सारी दिक्कतें आई थी। हमारे इंडिया में पूरा लॉकडाउन लगा था, सबसे पहले 14 डेज का लॉकडाउन लगा था और काफ़ी लंबा चला था लॉकडाउन। और लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों को बहुत सारी परेशानी हुई थी, लोग घर से काम कर रहे थे, काफ़ी लोग को मानसिक बीमारी हो गई थी, मतलब मेंटल पेशेंट हो गए थे। और साथ में यहाँ पे काफ़ी लोगों की नौकरी चली गई थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था, आप कहीं बाहर सिनेमा हॉल नहीं जा सकते, कहीं पे कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर सकते, लोगों की जॉब्स जा रही थी, नौकरी जा रही थी। और जो भी दिन दहाड़ी जो मजदूर होते हैं जो भाई रोज़ का कमाते हैं, रोज़ का खाते हैं, उनके ऊपर इस कोरोना वायरस ने बहुत बुरी तरीके से प्रहार किया था। आप देख रहे थे भाई, देश में बद से बदतर हालात थे और फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गई थी, पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। और साथ में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स पूरे फुल हैं, हॉस्पिटल्स में जो बेड्स हैं, बेड्स वेकेंट नहीं हैं। और साथ में इतने बुरे हालात थे कि एक तो इंसान जब मर जाता है, जब इंसान मौत की चपेट में आ जाता है वायरस की वजह से, तो उसका ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि शमशान घाट भी भरे हुए थे। तो बहुत बुरी बीमारी थी, बहुत बुरी तरीके से कोरोना वायरस फैला हुआ था। ऐसा ही सेम 1889 में भी हुआ था। 1889 में इन्फ्लुएंजा वायरस फैला हुआ था, इन्फ्लुएंजा फ्लू फैला हुआ था। और इस इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से काफ़ी लोगों को बहुत सारी परेशानी हुई थी, काफ़ी लाखों लोग इसकी इन्फ्लुएंजा वायरस की चपेट में आ चुके थे और तकरीबन 10 लाख लोग मौत की चपेट में आ चुके थे इस इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। तो ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये बहुत ही खतरनाक, बहुत जानलेवा बीमारी थी। और खांसने थे, किसी के खांसने से, किसी के छींकने से, जो भी थूक निकलता है मुंह से, जो थूक के छींटे होते हैं, छींकने से जो नाक में से छींटे निकलते हैं, उसकी वजह से ये बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो उस टाइम भी लोगों को बताया जा रहा था कि अपने दांत साफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मुंह पे मास्क लगाएं, लोगों से दूरी बनाए रखें, घर से बाहर ना निकलें। ऐसा ही 1889 में भी हुआ था, हॉस्पिटल्स बहुत बुरी तरीके से भरे हुए थे। तो ये जो 1889 में केस हुआ था, कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये लंदन का केस है। और इन्फ्लुएंजा वायरस जो था वो बेसिकली जो भी छोटे बच्चे होते हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं और साथ में जो भी बुजुर्ग लोग होते हैं, ये सब लोग ज़्यादा इसकी चपेट में आ रहे थे। अब ये जो लंदन का केस है, इसकी मैं शुरुआत करता हूँ। तो इसी बीच क्या होता है, एक कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये एक प्रोडक्ट बनाती है इन्फ्लुएंजा वायरस से लड़ने के लिए, इस इन्फ्लुएंजा वायरस के इलाज के लिए। साथ में जैसे कि हमारे कोरोना वायरस के बहुत सारे वेरिएंट हैं, आपने सुना होगा येलो फंगस, ब्लैक फंगस, डेल्टा वेरिएंट, यानी कितने तरह की यहाँ पे बीमारी फैल रही थी। अभी एक और कोरोना वायरस आ रहा है, एक और कोरोना वायरस का वेरिएंट आ रहा है, ऐसे ही इन्फ्लुएंजा वायरस के भी कई सारे वेरिएंट थे। तो इन्फ्लुएंजा वायरस और साथ में जो भी कोल्ड रिलेटेड डिजीज होती हैं, इन सबसे बचने के लिए एक कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये एक प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम होता है स्मोक बॉल। अभी जो स्मोक बॉल होती है, ये कैसी होती है, आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखोगे, स्मोक बॉल जो है ये गोल शेप में होती है, एक रबर बॉल की तरह होती है, इसको आप स्क्वीज कर सकते हो, इसको आप आराम से दबा सकते हो, एक रबर बॉल की तरह गोल शेप में होती है और इसके ऊपर एक ट्यूब अटैच होता है। अब जो भी पर्सन जिसको कोल्ड हो रहा है, जिसको इन्फ्लुएंजा वायरस के सिम्टम्स हैं, उसको क्या करना होता है, इस बॉल को नीचे से प्रेस करना होता है और इस ये जो ऊपर ट्यूब निकला हुआ है, इसको अपनी नॉस्ट्रिल्स में, अपनी नाक के जो छेद होते हैं उसके अंदर डालना होता है और इसको नीचे से प्रेस करना होता है। ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल है, ये जो स्मोक बॉल है, इसके अंदर कार्बोलिक एसिड होता है, कार्बोलिक एसिड होता है, इसको कार्बोलिक एसिड को यहाँ पे फिनॉल भी बोलते हैं। तो जो कार्बोलिक स्मोक बॉल है, इसके अंदर एक कार्बोलिक एसिड होता है और जो कोई भी पेशेंट इसको अपनी नाक में इस ट्यूब को इंसर्ट करता है और फिर इसको दबाता है, प्रेस करता है, तो उसे सबसे ज़्यादा इनकन्वीनियंस होती है, उसके आँख में से आंसू निकलते हैं और नाक में से खूब सारा पानी बहता है।
क्योंकि इसके अंदर जो कार्बोलिक एसिड होता है वो भाप के रूप में, वो वेपर्स की फॉर्म में नाक के अंदर जाता है और उसके बाद खूब सारा नाक में से पानी निकलता है, आँख में से आंसू निकलते हैं और जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, जितनी भी बीमारी होती है वो सारी नाक में से निकल जाती है। तो कार्बोलिक स्मोक वॉल का ये दावा था, इस कंपनी का ये दावा था कि सारे के सारे जो भी इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, वो भाई नाक के रूप में, नाक से बाहर आ जाएंगे पानी के फॉर्म में। जैसे कि आप झंडू बाम कभी लगाना, अपने नाक के अंदर लगाना और फिर उल्टे लेट जाना, आपके नाक में से खूब सारा पानी निकलेगा, आपको तकलीफ होगी, ठीक है। तो एक थी भाई अपनी कार्बोलिक स्मोक बॉल। अभी जो कार्बोलिक स्मोक बॉल जब मार्केट में आती है तो ये तेज़ी से सर्कुलेट होती है, काफ़ी लोग इसका यूज़ करते हैं, काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा होता है, काफ़ी लोग जो बीमार हो रहे थे, जिनको इन्फ्लुएंजा वायरस के सिम्टम्स थे या जिनको भी कोल्ड था, वो इससे ठीक हो रहे थे और काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो इस स्मोक बॉल को यूज़ करने से कतरा रहे थे। जैसे कि आपको पता है हमारे इंडिया में जो कोरोना वैक्सीन है, जो कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आई है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, साथ में जो और तरह तरह की वैक्सीन आई हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी दोनों डोजेस लगवा ली हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में, रूरल एरियाज़ में, जो भाई इस वैक्सीन को लेने से कतरा रहे हैं। क्योंकि एक दो केस ऐसे भी हुए हैं कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनको बहुत तेज़ी से बुखार आया, खास करके जो बुज़ुर्ग लोग हैं, और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो काफ़ी लोग ये जो बहुत बुरी तरीके से जो अफवाह फैली हुई है कि वैक्सीन लेने से बहुत आप बीमार पड़ जाओगे, बहुत ज़्यादा फीवर आएगा और आपकी मौत हो सकती है, इस सब की वजह से, इस सब के डर की वजह से लोग कोरोना वैक्सीन जो है उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। ऐसे ही जब इन्फ्लुएंजा वायरस आया था 1889 में, जब ये स्मोक बॉल सेल हो रही थी, तो काफ़ी लोग इसको खरीदने से कतरा रहे थे। उनको इसके स्मोक बॉल पे कॉन्फिडेंस नहीं था, उन्हें लगता था भाई इससे, ये जो स्मोक बॉल है इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इससे भाई हमारी नाक में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इससे हमारी जान जा सकती है। तो इसी बीच क्या होता है, बात आई गई हो जाती है, कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो है ये न्यूज़पेपर में एक ऐड देने का सोचती है, और इनका मेन उद्देश्य ये होता है कि हमें ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अवेयरनेस फैलानी है लोगों में, इसके फ़ायदे बताने हैं लोगों को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करना है। चाहते हैं कि भाई इसका बहुत ही तेज़ी से इसकी सेल हो और लोग इस पर विश्वास करें। तो लोगों का भरोसा जीतने के लिए कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो है वो न्यूज़पेपर में एक ऐड निकालती है। अब न्यूज़पेपर में जो ये ऐड निकालती है, न्यूज़पेपर में बहुत बड़ा बड़ा लिखवाती है, बोल्ड लेटर्स में, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो बहुत ही बड़ा बड़ा बोल्ड लेटर्स में लिखवाती है £100 रिवॉर्ड। अब जाहिर सी बात है £100 रिवॉर्ड, जो कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, जिस किसी की भी नज़र न्यूज़पेपर में जाती होगी, क्योंकि भाई उस ज़माने में ना तो भाई टेलीविज़न होता था, ना तो भाई मोबाइल फ़ोन्स होते थे, ना तो भाई यूट्यूब वगैरह होता था, तो उस टाइम न्यूज़पेपर होते थे। तो न्यूज़पेपर में जब ये ऐड आया और ऐड में लिखा हुआ था £100 रिवॉर्ड, तो लोगों का माथा ठनक गया। लोग भाई इस रिवॉर्ड को देख के एकदम से उनकी नज़र पड़ी। अब जाहिर सी बात है जिसने भी ये बड़ा बड़ा देखा होगा वो पूरे ऐड को पढ़ेगा, तो लोग पढ़ने लगे इस ऐड को। और मैं आपको बता दूं, £100 उस ज़माने में 1889 के टाइम पे, £100 आज के टाइम पे, ये जो £100 है आज के टाइम पे, कम से कम ये 100,000 pounds के बराबर है। आज के टाइम में ये 100,000 pounds के बराबर है, £100। तो £100 एक बहुत ही बड़ी रकम हुआ करती थी, और £100 के इनाम का ऐलान देख के काफ़ी लोगों की आंखें चौंधिया सी गई थी, मतलब देख के ही उनको बिल्कुल, उनका मन जो था तितर बितर हो गया था। अब हुआ क्या, इस ऐड को वो लोग पढ़ते हैं। अब इस ऐड में क्या क्या लिखा हुआ था, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ के सुनाता हूँ। कंपनी ऐड क्या क्या लिखवाती है, न्यूज़पेपर में क्या ऐड देती है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रीड करता हूँ। तो यहाँ पे टोटल 4 पैराग्राफ कंपनी लिखवाती है न्यूज़पेपर में। सबसे पहली लाइन जो होती है उसमें लिखा होता है £100 रिवॉर्ड विल बी पेड बाई द कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी टू एनी पर्सन हु कॉन्ट्रैक्ट्स द इंक्रीजिंग एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा कोल्ड।
और एनी डिजीज कॉज्ड बाय टेकिंग कोल्ड आफ्टर हैविंग यूज्ड द बॉल 3 times डेली फॉर 2 weeks अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शन सप्लाइड विद ईच बॉल। तो यहाँ पे कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जो है वो यहाँ पे एक दावा कर रही है, एक इनाम का ऐलान कर रही है। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी कहती है कि जो भी हमारी स्मोक बॉल को रोजाना 3 बार अगर यूज करती है और लगातार 2 हफ्तों तक यूज करती है, जो भी स्मोक बॉल में डायरेक्शंस फॉर यूज जो दे रखे हैं उसको फॉलो करती है, तो हम यहाँ पे इनाम का ऐलान करते हैं कि भाई हमारी स्मोक बॉल यूज करने के बावजूद भी अगर किसी को इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाता है या कोई भी कोल्ड हो जाता है, इन्फ्लुएंजा वायरस या कोल्ड रिलेटेड डिजीज हो जाती है, तो हम उसे 100 pounds का रिवॉर्ड देने का ऐलान करते हैं। हम उसे 100 pounds की इनाम देने का ऐलान करते हैं, इस इनाम को घोषित करते हैं। ये होता है भाई इनकी पहले पैराग्राफ में। अब इसके बाद ये एक और लाइन लिखवाते हैं ताकि लोगों का विश्वास जीतने के लिए, लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए एक लाइन और लिखवाते हैं न्यूज़पेपर में। 1,000 pounds इज डिपॉजिटेड विद द अलायंस बैंक रेजेंट स्ट्रीट शोइंग आवर सिंसियरिटी इन द मैटर। तो कंपनी कहती है कि हमने 1,000 pounds बैंक में डिपॉजिट करा दिए हैं और जो 1,000 pounds हैं, इस ये जो रकम है 1,000 pounds की, ये 100 pounds का रिवॉर्ड देने के लिए यूज होगा। इसके बाद एक और पैराग्राफ लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में। ड्यूरिंग द लास्ट एपिडेमिक ऑफ इन्फ्लुएंजा मैनी 1,000 कार्बोलिक स्मोक बॉल्स वर सोल्ड एज प्रिवेंटिव अगेंस्ट दिस डिजीज एंड इन नो ascertained केस वॉज द डिजीज contracted बाई those यूजिंग द कार्बोलिक स्मोक बॉल। तो लोगों का भरोसा जीतने के लिए, लोगों का कॉन्फिडेंस और ज़्यादा मजबूत करने के लिए यहाँ पे ये लोग लिखते हैं कि जो अभी जो आखिरी वेव आई थी, अभी जो आखिरी वेव आई थी इन्फ्लुएंजा वायरस की, उस समय पे हजारों लोगों ने स्मोक बॉल को यूज़ किया था और उनको इससे बहुत फ़ायदा हुआ था। उनको जो भी कोल्ड रिलेटेड डिजीज़ थी या जो भी इन्फ्लुएंजा वायरस की जो भी बीमारी थी, इन्फ्लुएंजा वायरस के जो भी सिम्टम्स थे, उनसे उनको फ़ायदा हुआ, एक तरीके से क्योर की तरह काम किया और उनको इस बीमारी से छुटकारा मिल गया। इसके बाद एक चीज़ और लिखते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। 1 carbolic smoke ball विल लास्ट अ फैमिली सेवरल मंथ, यानी कि एक स्मोक बॉल जो है वो कई महीने तक चलेगी, पूरी फैमिली इसको यूज कर सकती है, मेकिंग इट द चीपेस्ट रेमेडी इन द वर्ल्ड एट द प्राइस 10 shillings पोस्ट फ्री। द बॉल कैन बी रिफिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 5 shillings और साथ में यहाँ पे एड्रेस दे रखा था इस पूरी कंपनी का। अब मैं आपको बता दूं, ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल है ये 1889 के टाइम पे ये बहुत ही चीपेस्ट मेडिसिन हुआ करती थी, ये सिर्फ और सिर्फ 10 shillings की हुआ करती थी। आज के टाइम पे मैं आपको बता दूं, 1 shilling इज इक्वल टू 1/20 ऑफ 1 pound, यानी कि 10 shillings जो हैं वो तकरीबन 1/2 pound के बराबर हैं। आज के टाइम पे पाउंड अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो 1 pound होता है भाई आपका ₹100.30, यानी कि 1/2 pound, यानी कि ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल है आज के टाइम पे ये भाई ₹50 की मिलती थी और साथ में इसकी जो रिफिलिंग कॉस्ट है वो भाई 50%, यानी कि भाई रिफिलिंग कॉस्ट मात्र ₹25, यानी कि जो कार्बोलिक स्मोक बॉल होती है इसके अंदर जो कार्बोलिक एसिड होता है इसको आप रिफिल भी करवा सकते हो और मात्र ₹25 में। तो बहुत ही चीपेस्ट रेमेडी थी ये, ठीक है। तो ये सारा का सारा एड लिखवाती है कंपनी। अब इसके बाद क्या होता है, बात आई गई हो जाती है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, यहाँ पे इसी बीच एक लेडी है जिनका नाम है लुइजा एलिजाबेथ कार्लिल। लुइजा एलिजाबेथ कार्लिल इस एड को बड़े ध्यान से पढ़ती हैं, बहुत बारीकी से जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे लिखी होती हैं कि रोजाना 3 बार लगातार 2 हफ्तों तक इसको जो भी स्मोक बॉल है इसको यूज़ करना है और स्मोक बॉल को यूज़ करते वक्त आपको इन्फ्लुएंजा वायरस या कोई भी कोल्ड की बीमारी नहीं होगी, इस सबको बहुत ध्यान से पढ़ती हैं। और इसके बाद उनका मन में आइडिया आता है इस स्मोक बॉल को खरीदने का और फिर स्मोक बॉल जाके वो परचेस कर लेती हैं। अब होता है क्या है, स्मोक बॉल जब वो परचेस कर लेती हैं, स्मोक बॉल को वो डेली यूज करती हैं, लुइजा एलिजाबेथ कार्लिल स्मोक बॉल को लगातार 2 महीने तक यूज करती रहती हैं।
ये जो स्मोक बॉल है, ये स्मोक बॉल का ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये एडवर्टाइजमेंट आया था 13th नवंबर 1891 में, और वो लगातार इस स्मोक बॉल को यूज करती हैं लगातार दो हफ्ते तक, रोजाना तीन बार यूज करती हैं, दो हफ्ते हो जाते हैं, फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके दो महीने हो जाते हैं इस स्मोक बॉल को वो लगातार यूज करते हैं। इस स्मोक बॉल को यूज करते वक्त वो जैसे ही अपनी इस स्मोक बॉल को नाक में डालती हैं, उनकी आंख में से पानी आता है, नाक में से पानी आता है, बहुत इनकन्वीनियंस होता है, लेकिन फिर भी वो लगातार इसको यूज करती हैं। लेकिन दो महीने बाद अचानक वो बीमार पड़ने लगती हैं, उनके अंदर कोल्ड होने लगता है, उन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस के सिम्टम्स उनके होने लगते हैं। फिर वो डॉक्टर से चेकअप कराती हैं और डॉक्टर की जो रिपोर्ट आती है उसमें लिखा होता है कि आप इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव हैं, आपको इन्फ्लुएंजा फ्लू है। यानी कि इस स्मोक बॉल को यूज़ करने के बावजूद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाता है, वो इन्फ्लुएंजा वायरस की चपेट में आ जाती हैं। अब क्या होता है, ऐसे ही उनका इलाज चलता रहता है। इसी बीच क्या होता है, इसी बीच उन्हें ऐड का ध्यान आता है कि भाई एक ऐड देखा था और इस ऐड देख के मैंने इस स्मोक बॉल को खरीदा था और फिर भी मुझे यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। अब जो लेडी है लुइजा एलिजाबेथ कार्लिल, ये बात वो अपने हस्बैंड से शेयर करती हैं। लुइजा एलिजाबेथ कार्लिल के जो हस्बैंड हैं वो दरअसल एक वकील हैं। वो उन वकील से सारी पूरी कहानी बताती हैं कि मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा था, उसमें 100 पाउंड का रिवॉर्ड था और इस न्यूज़पेपर पे, इस न्यूज़पेपर में जो ऐड है, ये जो कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इस पे मैंने पूरा भरोसा करके इस स्मोक बॉल को ख़रीदा, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। तो जो यहाँ पे लुइजा एलिजाबेथ कार्लिल हैं, इनके जो हस्बैंड जो वकील हैं, वो फिर डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी से, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी से 100 पाउंड का रिवॉर्ड क्लेम किया जाए। अब वो कंपनी को सबसे पहले एक लेटर भेजते हैं, लेटर में पूरी कहानी लिखते हैं कि मेरी वाइफ ने ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल है इसको लगातार दो महीने तक यूज़ किया, वो लगातार तीन बार यूज़ करती थी दिन में, और उसके बावजूद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, वो इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव हैं। और आपने न्यूज़पेपर में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई करी है मेरी वाइफ ने, और वो इस 100 पाउंड के रिवॉर्ड के लिए एंटाइटल्ड हैं, कृपया करके आप 100 पाउंड का रिवॉर्ड जो है वो हमें दे दीजिए। कंपनी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, कंपनी कोई रिप्लाई नहीं करती है। इसके बाद क्या होता है, एक और लेटर लिखते हैं, एक और रिक्वेस्ट लेटर लिखते हैं रिवॉर्ड के क्लेम के लिए लुइजा एलिजाबेथ के हस्बैंड, और दूसरे लेटर में और डिटेल में सारी की सारी बातें लिखते हैं, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन कि भाई जो भी कार्बोलिक स्मोक बॉल में डायरेक्शंस फॉर यूज थे इस सबको भाई यहाँ पे उन्होंने कंप्लाई किया था, सारी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन मान ली हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे मेरी जो वाइफ है उसको इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया है। आपने वादा किया था, आपने भाई लीगल प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर भी मेरी वाइफ को यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया है, तो प्लीज़ आप 100 पाउंड का रिवॉर्ड दे दीजिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपनी कोई रिप्लाई नहीं करती है। इसके बाद ये एक लेटर और भेजते हैं, मतलब तीसरी बार रिक्वेस्ट करते हैं, और इत्तेफाक की बात से तीसरी बार जब ये रिक्वेस्ट लेटर भेजते हैं क्लेम के रिवॉर्ड के लिए, तो इस बार रिप्लाई आ जाता है। लेकिन इस बार जो रिप्लाई आता है वो एक एनोनिमस लेटर होता है, उस लेटर पे कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ होता है, उस लेटर पे कुछ नहीं लिखा होता है, कोई कंपनी का नाम नहीं लिखा होता है, कंपनी का एड्रेस नहीं लिखा होता है, एक एनोनिमस लेटर आता है कंपनी की तरफ से, और उस लेटर में लिखा होता है कि देखो हमारी जो कार्बोलिक स्मोक बॉल है इस पर हमें पूरा भरोसा है, हजारों लोग इससे ठीक हो चुके हैं और कोई भी हमारे पास कंप्लेंट नहीं आई है, लेकिन फिर भी कंपनी फ्रॉडलेंट क्लेम से बचने के लिए आपको ये सुझाव देती है कि आप जिनको भी भाई अभी इन्फ्लुएंजा वायरस हुआ है आप हमारे ऑफिस में आइए और हमारी सेक्रेटरी की निगरानी में रोजाना तीन बार लगातार दो हफ्तों तक इस स्मोक बॉल को यूज़ करिए, और हमारी सेक्रेटरी की निगरानी में अगर फिर भी उन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाता है, इन्फ्लुएंजा पॉजिटिव हो जाता है, तो हम पक्का आपको 100 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे। अब हमें नहीं पता है कि भाई आपने लगातार दो महीने तक रोजाना तीन बार यूज़ किया है नहीं किया है, हमें नहीं पता,
तो भाई यहाँ पे फ्रॉड भी हो सकता है। इस फ्रॉड से बचने के लिए हम आपसे ये कहते हैं कि आप आइए हमारे ऑफिस में, हमारी सेक्रेटरी के निगरानी में ये स्मोक बॉल को आप यूज़ करिए और हम आपसे दावा करते हैं कि आपको इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं होगा। अब जब ये लेटर हस्बैंड और वाइफ यानी कि लुइजा एलिजाबेथ कालिन और हस्बैंड जब इस लेटर को रीड पढ़ते हैं तो फिर उनका माथा ठनक जाता है और फिर अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब इस कंपनी पे वो एक केस फाइल करेंगे, अब वो कोर्ट की मदद लेंगे इस रिवॉर्ड को क्लेम करने के लिए। और इसके बाद क्या होता है, लुइजा एलिजाबेथ कालिन एक वकील को हायर करते हैं और वो इस कंपनी पे केस फाइल कर देते हैं। अब जब केस फाइल होता है तो लुइजा एलिजाबेथ कालिन के जो वकील होते हैं वो आर्ग्यूमेंट देते हैं, वो अपनी दलील देते हैं कोर्ट में कि हमारी जो क्लाइंट है उसने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा था, उस न्यूज़पेपर में ऐड आया था कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, कंपनी ने दावा किया था कि जो भी स्मोक बॉल को यूज़ करेगा रोजाना 3 बार लगातार 2 हफ्तों तक, उसे स्मोक बॉल यूज़ करते करते कभी भी इन्फ्लुएंजा वायरस या कोल्ड रिलेटेड डिजीज नहीं होगी, अगर ऐसा होता है तो 100 पाउंड का रिवॉर्ड मिलेगा। तो मेरी क्लाइंट ने पूरा इस न्यूज़पेपर की जो ऐड है इस पे भरोसा दिखा के, कंपनी पे विश्वास दिखा के इस स्मोक बॉल को खरीदा, उन्हें बहुत इनकन्वीनियंस महसूस हुई इसको यूज़ करने में, उनके आँख से पानी आता था, उनकी नाक से पानी आता था और इसके बावजूद भी उनको इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया है। तो यहाँ पे एक लीगल प्रॉमिस था, कंपनी ने एक लीगल प्रॉमिस किया था, एक सीरियस प्रॉमिस किया था और अब यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। मेरी क्लाइंट ने जो भी कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनको कंप्लाई किया है, यानी कि यहाँ पे उनके जो लीगल प्रॉमिस है, उनका जो लीगल ऑफर है इसको एक्सेप्ट कर लिया है और अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ये एक सीरियस कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और यहाँ पे जो कंपनी है वो लीगली बाउंड है टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस, वो लीगली बाउंड है 100 पाउंड का रिवॉर्ड देने के लिए। अब इसके बाद जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है ये बहुत महंगे वकीलों को हायर करती है और वहाँ पे जो कार्बोलिक स्मोक बॉल के जो वकील हैं उनकी तरफ से ये दलील दी जाती है कि यहाँ पे कोई भी सीरियस कॉन्टैक्ट नहीं था, ये सिर्फ एक मेयर पफ था। मेयर पफ का मतलब ये एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको किसी भी पर्सन को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है उसके जो वकील हैं वो ये दलील देते हैं कि एक मेयर पफ था, एक बेसिकली जुमला टाइप का था, ये कोई सीरियस ऑफर नहीं था और किसी भी पर्सन को इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो इस केस में क्या होता है, फिर जो कोर्ट में जजेस बैठते हैं, इस ये जो कोर्ट है इस कोर्ट में टोटल 3 जजेस बैठते हैं। पहले जज जो होते हैं उनका नाम होता है लॉर्ड जस्टिस लिंडले और जो दूसरे जज होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पहले के टाइम पे जो जजेस होते थे वो एक विग पहनते थे, ठीक है, और जो दूसरे जज थे उनका नाम था लॉर्ड जस्टिस बोन और जो तीसरे जज थे उनका नाम था यहाँ पे लॉर्ड जस्टिस एल स्मिथ। तो 3 जजेस का टोटल पैनल होता है और इन 3 जजेस के सामने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के जो वकील होते हैं वो दलील देते हैं कि भाई यहाँ पे कोई ये सीरियस ऑफर नहीं था, कोई सीरियस प्रॉमिस नहीं था, कंपनी ने बस एक जुमला दे दिया था। कंपनी चाहती थी कि उनके जो प्रोडक्ट है स्मोक बॉल ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसके लिए अवेयरनेस फैले और वो चाहते थे कार्बोलिक स्मोक बॉल जो है इसका बहुत तेज़ी से सर्कुलेशन हो, ये मार्केट में बहुत तेज़ी से फैले, इसलिए उन्होंने एक ऐड दिया था, एक जुमला टाइप का था, ये कोई सीरियस ऑफर नहीं था। तो यहाँ पे जो जजेस होते हैं वो इनकी बातों पे हंसते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप अपने ऐड को ध्यान से पढ़िए, आपका जो ऐड है उस ऐड में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपके ऐड में साफ साफ लिखा हुआ है 1000 पाउंड इज डिपॉजिटेड विद अलायंस बैंक रीजेंट स्ट्रीट शोइंग आवर सिंसियरिटी इन द मैटर। आप अपने ऐड में लिखवाते हो कि आपने 1000 पाउंड बैंक में जमा करा रखे हैं 100 पाउंड का रिवॉर्ड देने के लिए, ये दर्शाता है कि भाई आप एक सीरियस ऑफर दे रहे हो, ये भाई आपका सीरियस ऑफर है, सीरियस प्रॉमिस है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेयर पफ है, ये एक जुमला है, ये कोई ऐसी बात है जिसको किसी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ऐसा आप नहीं कह सकते। फिर क्या होता है, फिर जो कंपनी के वकील जो होते हैं वो एक और दलील देते हैं, वो कहते हैं जज साहब आप इस ऐड को ध्यान से पढ़िए, ये जो ऐड है इस ऐड में जितनी भी ये लाइनें लिखी हुई हैं
जितना भी ये पूरा ऐड लिखा हुआ है, इस सबको आप ध्यान से पढ़िए, ये पूरा ऐड ही पूरा वेग है, ये पूरा ऐड ही वेग है, ये पूरा ऐड क्लियर नहीं है, ये कोई क्लियर प्रॉमिस नहीं है, कोई यहाँ पे सीरियस ऑफर है ही नहीं। यहां पे वो मेन बात करते हैं टाइम की, कि देखो हम ये कहते हैं कि आप कार्बोलिक स्मोक बॉल जो है वो रोजाना 3 बार यूज करिए, लगातार 2 हफ्तों तक। अब रोजाना 3 बार, यहां पे एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं किया हुआ है कि सुबह के 8 बजे, फिर दोपहर के 2 बजे, रात के 9 बजे, कोई एग्जैक्ट टाइम ही यहां पे मेंशन नहीं है कि रोजाना 3 बार तो किस टाइम पे, कोई एग्जैक्ट टाइम ही मेंशन नहीं है। और इसके साथ साथ यहां पे आपको इस कार्बोलिक स्मोक बॉल को कब तक यूज करना है, क्या हमेशा पूरी जिंदगी भर, इनफिनाइट टाइम तक, कब तक इस स्मोक बॉल को यूज करना है, हमने ये तो भाई कहीं पे लिखा नहीं है। हमने तो बस ये लिखवाया है कि भाई आप जब तक स्मोक बॉल को यूज करोगे तब तक आपको इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं होगा। यहाँ पे कोई टाइम ही मेंशन नहीं है कि इस कार्बोलिक स्मोक बॉल को कब तक आपको यूज करना है। तो कहते हैं कि जो एड है पूरा का पूरा वेग है, इसलिए इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो जजेस हैं उनके मुंह से फिर हंसी निकलती है, और तीनों के तीनों जजेस यहाँ पे एक ही फैसला सुनाते हैं, कहते हैं कि देखो ये जो पूरा ऐड है इसमें टाइम क्रूशल नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो क्रूशल बात है वो है यूज की। आपने भाई अपने ऐड में लिखवाया है आफ्टर हैविंग यूज द बॉल, यहां पे जो भी आपकी स्मोक बॉल को यूज कर रहा है, आप समझ जाइए जो भी आपकी स्मोक बॉल को यूज कर रहा है, आप उससे लीगल ऑब्लिगेशन आपकी अराइज हो चुकी है, आप उससे लीगल प्रॉमिस कर चुके हो। तो यहां पे कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि टाइम यहां पे क्रूशल नहीं है, यहां पे यूज इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी पर्सन आपके एड पे ट्रस्ट करके इस स्मोक बॉल को खरीदता है और उसको यूज करता है, तो यूज करने पे यहां पे कंपनी लीगली बाउंड होगी अपने ऑफर को निभाने के लिए, अपने वादे को निभाने के लिए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एक और दलील दी जाती है कि देखो यहां पे जो हमारी जो स्मोक बॉल है, स्मोक बॉल को भाई हजारों लोग यूज कर रहे हैं, अब तो भाई लाखों लोग यूज कर रहे हैं, और काफी स्मोक बॉल ऐसी भी हैं जो भाई चोरी हो गई हैं, कुछ चोरों ने स्मोक बॉल को चुरा लिया है। तो ये जो चोर हैं उन्होंने तो भाई फ्री में, मतलब कोई पैसा वगैरह नहीं दिया, चोरी करके वो स्मोक बॉल को यूज कर रहे हैं। तो अगर वो चोरी करके स्मोक बॉल को यूज कर रहे हैं तो क्या कंपनी उनसे भी बाउंड होगी, क्या कंपनी को उनको भी भाई पैसे देने चाहिए, 100 पाउंड भाई पूरी दुनिया भर में बांटते फिरे हम लोग, ऐसा कैसे चलेगा भाई। यहां पे साफ साफ कहते हैं कि देखो यहां पे कंसिडरेशन नहीं है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कंसिडरेशन भाई बदले में कुछ करना या बदले में कुछ मिलना। आप कह रहे हो कि भाई स्मोक बॉल हमने बेची, ठीक है भाई बेची, अब स्मोक बॉल बेचने से हमें बदले में क्या मिल रहा है। अरे जज साहब आप कह रहे हो कि स्मोक बॉल का यूज इंपॉर्टेंट है, तो उनके स्मोक बॉल यूज करने से बदले में हमें क्या मिल रहा है। चोर भी तो यूज करते हैं स्मोक बॉल, उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, हमारा भाई कोई भी फायदा नहीं है। ऐसा अगर होने लगा तो हम पूरी दुनिया भर को भाई 100 पाउंड का, ऐसे तो भाई फ्रॉडलेंट क्लेम्स आते रहेंगे, ऐसे तो हम दुनिया भर को 100 पाउंड बांटते रहेंगे, ऐसे कैसे चलेगा। ये कोई सीरियस ऑफर नहीं है और इस केस को आप खत्म करिए, इस केस में दम नहीं है। तो यहाँ पे कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि देखो भाई यहाँ पे कंसिडरेशन है, और बल्कि अच्छा खासा कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन यहाँ पे क्या है, अगर इस केस की बात करें तो इस केस में लुइजा एलिजाबेथ कार्लेल, यहाँ पे जो प्लेंटिफ हैं, प्लेंटिफ को यहाँ पे इनकन्वीनियंस हुआ है आपके इस स्मोक बॉल को यूज करने से। उनकी आंख से पानी बह रहा है, उनकी नाक में दर्द हो रहा है, उन्हें प्रॉब्लम हो रही है आपकी स्मोक बॉल को यूज करने से। तो उन्हें जो इनकन्वीनियंस हो रहा है ये एक कंसिडरेशन है। और जो आपकी कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ये जो आपकी कंपनी है इसको भी बहुत अच्छा खासा कंसिडरेशन हो रहा है।
इसको यहाँ पे कंसिडरेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी जो सेल्स हैं बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं, आपका जो स्मोक बॉल है धड़ल्ले से मार्केट में बिक रही हैं, आपकी बहुत ज़्यादा सेल्स हो रही हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बेनिफिट हो रहा है। क्योंकि अगर ये ऐड नहीं होता तो आपके इस ऐड पे विश्वास ना करके शायद कार्लिल जो हैं, लुइजा एलिजाबेथ कार्लिल हैं, स्मोक बॉल को यूज़ ना करती। तो यहाँ पे कंसिडरेशन है, अच्छा खासा कंसिडरेशन है, आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है। इसके बाद जो वकील होते हैं अब वो बहुत ज्यादा सन्न रह जाते हैं इसको सुन के। इसके बाद वो एक और दलील देते हैं कि चलो भाई मान लिया भाई ये अच्छा भाई ऑफर है, सीरियस प्रॉमिस है, लीगल ऑफर है और साथ साथ में इसमें कंसिडरेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन हमें जिस जिस पर्सन ने ऑफर को एक्सेप्ट किया है तो उसे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट तो करनी चाहिए, उसे भाई जो परफॉर्मेंस वो कर रहा है, हमारी स्मोक बॉल को यूज कर रहा है, तो उसे बताना तो चाहिए हमें कि हमने आपके इस ऑफर को, आपने जो न्यूज़पेपर में ऐड दिया है इस ऑफर को हमने एक्सेप्ट कर लिया है, अब हम भाई परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अब भाई हम जो 100 पाउंड का रिवॉर्ड है इसको क्लेम करने के लिए आपकी स्मोक बॉल को यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो ये परफॉर्मेंस कम्युनिकेट तो करनी चाहिए। और जब ऑफर कम्युनिकेट होगा, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होगी, हमें पता लगेगा, तभी तो हम मानेंगे कि ये भाई लीगल प्रॉमिस है, यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस हुआ है और यहाँ पे कंसिडरेशन भी है, फिर ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तभी तो हम मानेंगे। तो कोर्ट यहाँ पे देखो क्या फैसला सुनाती है, कोर्ट यहाँ पे कहती है कि देखो बच्चा, देखो बेटा, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। तो यहाँ पे कोर्ट में जो जजेस बैठे होते हैं उनमें से एक जज एक बहुत फनी सी कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं मान लो मेरा एक बहुत प्यारा सा डॉगी है, बहुत प्यारा सा कुत्ता है, कुत्ता नहीं बोलेंगे, बहुत प्यारा सा डॉगी है, बहुत स्वीट सा डॉगी है, और वो जो डॉगी है एक दिन कहीं खो जाता है, लापता हो जाता है। अब मेरे डॉगी के लापता होने पर मैं पुलिस में कंप्लेंट फाइल करवाता हूँ, मैं अपने डॉगी की फ़ोटो देता हूँ पुलिस में और उनसे कहता हूँ कि भाई आप इस डॉग का पता लगाइए। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन डॉग का कोई अता पता नहीं चलता है। फिर मेरे मन में आइडिया आता है क्योंकि डॉग बहुत वफादार होते हैं, डॉग बहुत अच्छे होते हैं और इंसान से कहीं लाख गुना ज़्यादा डॉग जो होते हैं वो ट्रस्टवर्दी होते हैं, लॉयल होते हैं। तो इसीलिए वो जो जज हैं वो जज कहते हैं कि मैं अपने जो मेरा जो डॉग खो गया है उसके ऊपर इनाम का ऐलान करता हूँ, इनाम घोषित करता हूँ कि जो कोई भी मेरे इस डॉग के ढूंढ के लेके आएगा, जो भी कोई मेरे इस डॉग को ट्रेस करेगा या जो कोई भी मेरे इस डॉग की लोकेशन बताएगा, हम उसे 10,000 रुपये का इनाम देते हैं। ऐसा वो इनाम का ऐलान का घोषित कर देते हैं। तो भाई आप वकील साहब, आप कार्बोलिक स्मोक बॉल के समझदार वकील जो हैं, आप मुझे ये बताइए क्या यहाँ पे जो मैंने ऐड दिया है कि आप डॉग को ट्रेस करिए, क्या मैंने यहाँ पे जो ऑफर दिया है कि आपको डॉग को ट्रेस करना है, पूरी दुनिया को मैंने ऑफर दिया है कि आप मेरे डॉग को ट्रेस करिए, मैंने डॉग की फोटो भी दे दी है, आप मुझे बताइए समझदार वकीलों, आप मुझे ये बताइए क्या यहाँ पे कोई भी समझदार इंसान यहाँ पे डॉग को ट्रेस करने से पहले क्या चुपचाप बैठेगा, शांति से बैठेगा और एक लेटर ड्राफ्ट करेगा, एक लेटर में लिखेगा कि डियर सर हम आपके डॉग को ढूंढ रहे हैं, डॉग का पता लगा रहे हैं, आपका डॉग जो है वो इस रंग का है, हम इसको ढूंढ लेंगे, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हम यहाँ पे पूरी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, क्या कोई समझदार इंसान ऐसा करेगा? आंसर इज नो, ऐसा नहीं करेगा वो। यहाँ पे जो मेन एसेंस है इस एड का, यहाँ पे जो मेन एसेंस है वो है ट्रेसिंग द डॉग, कुत्ते का पता लगाना, डॉग को पता लगाना, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रूशल है। और जो कोई भी यहाँ पे कुत्ते का पता लगा रहा है इसका मतलब ये है कि वो ऐड की टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई कर रहा है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि वो ऑफर एक्सेप्ट कर चुका है और परफॉर्मेंस वो कर रहा है, इसका मतलब ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है, ऐसा मान लिया जाएगा। तो जो आपने ये ऐड दिया है ना कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, ये जो आपने ऐड दिया है ना 100 पाउंड का रिवॉर्ड का, जो कोई भी स्मोक बॉल यूज कर रहा है आप समझ जाइए परफॉर्मेंस कम्युनिकेट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपका सेक्शन 8 भी है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, एक सेक्शन 8 है आपके बिजनेस लॉ में, जब आप जनरल ऑफर पढ़ेंगे, पब्लिक ऑफर पढ़ेंगे, तो वहां पे एक सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 में देखो क्या लिखा हुआ है।
एज पर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर कैन बी कंसीडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। तो यहां पे एक्सेप्टेंस हो चुकी है ऐसा मान लिया जाएगा, ऐसा मान लिया जाएगा, ठीक है। तो कोर्ट यहां पे ये बताती है और साथ में कोर्ट एक बहुत अच्छी बात बोलती है कि यहां पे ये कोई यूनिलेटरल ऑफर नहीं है। हमने यूनिलेटरल ऑफर पढ़ा था, यूनिलेटरल ऑफर क्या होता है तो मैं आपको फिर से बताता हूं, एक यूनिलेटरल ऑफर क्या होता है। यूनिलेटरल ऑफर जो होता है यहां पे लिखा है यूनिट, यूनिट का मतलब होता है वन। ये बेसिकली एक वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वन साइडेड ऑफर होता है, यहां पे वन साइडेड परफॉर्मेंस होती है। अब जैसे फाइंडिंग द मिसिंग डॉग, फाइंडिंग द मिसिंग डॉग, अब फाइंडिंग द मिसिंग डॉग ये बेसिकली एक यूनिलेटरल ऑफर है। यहां पे रुपीज 10,000 का जो इनाम का ऐलान किया गया है ये एक प्री अरेंज्ड कमिटमेंट है। तो जो कोई भी इस एड को निकाल रहा है उसने अपनी कमिटमेंट दे दी है, अब उसको यहां पे कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं करनी है। यहां पे जो कोई भी ट्रेस करेगा बस उस ट्रेस करने वाले को यहां पे क्या करना है, ट्रेस करना, इसका मतलब यह है कि वो परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहां पे वन साइडेड परफॉर्मेंस होती है। लेकिन जनरल ऑफर में क्या होता है, जनरल ऑफर, ये जो कालिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक वाल कंपनी है ये जनरल ऑफर है। जनरल ऑफर में क्या होता है, यहां पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है, रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन होती है, सॉरी रेसिप्रोकल प्रॉमिस, यहां पे रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन होती है। तो यूनिलेटरल ऑफर जो होता है यहां पे, यूनिलेटरल ऑफर जो होता है यहां पे रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं होता है, यहां पे रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशंस यहां पे नहीं होती हैं। ये सबसे मेन फर्क है यूनिलेटरल ऑफर में और जनरल ऑफर में। जनरल ऑफर में रेसिप्रोकल प्रॉमिस होती है, यानी कि भाई अगर जो कोई भी स्मोक बॉल यूज कर रहा है तो यहां पे कंपनी लीगली बाउंड हो जाएगी, ठीक है। और स्मोक बॉल को यूज करना, यूज करना क्या है, यूज करना भी क्या है, यूज करना एक तरीके से परफॉर्मेंस है। यूज करना जब आपका यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और रोजाना 3 बार लगातार 2 हफ्तों तक, ये क्या है, ये ऑब्लिगेशन है। तो जो कोई भी पर्सन यूज कर रहा है, यूज करना है वो भी रोजाना 3 बार लगातार 2 हफ्तों तक, ये क्या है, ये भाई ऑब्लिगेशन है। और साथ में कंपनी जो 100 पाउंड देने का रिवॉर्ड का जो इनाम का ऐलान घोषित कर रही है इन कंडीशंस को कंप्लाई करने पे, ये भी क्या है, ये भी एक ऑब्लिगेशन है कि भाई उन्हें 100 पाउंड देने पड़ेंगे। तो यहां पे रेसिप्रोकल ऑब्लिगेशन है, इसलिए ये जनरल ऑफर है, ये कोई यूनिलेटरल ऑफर नहीं है। और इसके बाद क्या होता है, इन तमाम दलीलों के बाद क्या होता है, जजेस पूछते हैं कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के वकीलों से कि आपके पास कोई और दलील हो तो बताइए। तो यहाँ पे सारे के सारे जो जजेस होते हैं खामोश होते हैं, फिर कहते हैं नो सर। और इसके बाद फिर तीनों जो वकील होते हैं वो एक यूनानिमस डिसीजन लेते हैं, और जितनी भी सारी दलीलें होती हैं कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के वकीलों की, उन सारी दलीलों को सिरे से खारिज कर देते हैं। और फिर यहां पे कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। कोर्ट यहां पे टोटल 4 पॉइंट्स बताता है, यहां पे यूनानिमस डिसीजन आता है। तो यहां पे तीनों जजेस कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट, यहां पे टोटल 4 बातें हैं। क्या बातें हैं, पूरा जो जजमेंट है वो मैं आपको एज इट इज सुनवाता हूं। सबसे पहला पॉइंट, अमंग द रीजंस गिवन बाय द 3 जजेस वर That the advertisement was not a unilateral offer. Unilateral offer जो होता है वो वन साइडेड परफॉर्मेंस होती है, लेकिन जो जनरल ऑफर होता है वो उसमें reciprocal obligation होती है, उसमें दोनों parties की obligation होती है। That the advertisement was not a unilateral offer to all the world, but an offer restricted to those who acted upon the terms contained in the advertisement. तो यानी कि आप ऑफर तो पूरी दुनिया को दे रहे हो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ कर रहे हो जो भी आपके ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई कर रहा है, जो भी स्मोक बॉल को यूज कर रहा है रोजाना 3 बार लगातार 2 हफ्तों तक। इसके बाद दूसरा पॉइंट,
that satisfying the conditions for using the smoke ball constituted acceptance of the offer. आप कह रहे हो कि भाई हमें acceptance communicate करना चाहिए, आपको notify करना चाहिए, जो भी person smoke ball को use कर रहे हैं उन्हें भाई letter लिख के भेजना चाहिए कि हम भाई आपकी smoke ball को रोजाना 3 बार लगातार 2 हफ्तों तक use कर रहे हैं, ऐसा हमें letter लिख के भेजना चाहिए, acceptance communicate करना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है. Section 8 अभी हमने पढ़ा था, ठीक है. तो यहाँ पे जजेस कहते हैं डेट सेटिस्फाइंग द कंडीशन फॉर यूजिंग द स्मोक बॉल कॉन्स्टिट्यूटेड एक्सेप्टेंस, उसे एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा, वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा. डेट परचेजिंग ऑफ और मेयरली यूजिंग द स्मोक बॉल कॉन्स्टिट्यूटेड गुड कंसिडरेशन बिकॉज इट वॉज अ डिस्टिंक्ट डेट्रीमेंट. डेट्रीमेंट का मतलब नुकसान एक तरीके का, इनकर्ड एट द बिहेस्ट ऑफ द कंपनी. यानी कि कंपनी पे भरोसा दिखा के लोग क्या कर रहे हैं, लोग स्मोक बॉल को अपनी नाक के अंदर डाल रहे हैं और फिर उसको प्रेस कर रहे हैं, उनके आंख से पानी निकल रहा है, नाक से पानी निकल रहा है, उन्हें बहुत इनकन्वीनियंस महसूस हो रही है, ये गुड कंसिडरेशन है. फर्दर मोर मोर पीपल बाइंग स्मोक बॉल्स बाई रिलाइंग ऑन द एडवर्टाइजमेंट वॉज अ क्लियर बेनिफिट टू कार्बोलिक. तो कंपनी पे लोग भरोसा करके ज़्यादा से ज़्यादा स्मोक बॉल परचेज कर रहे हैं, उसको रीफिल करवा रहे हैं, एक तरीके से कंपनी को फ़ायदा हो रहा है, तो कंपनी का अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है कंपनी का, तो ये भी गुड कंसिडरेशन है. इसके बाद आखिरी पॉइंट ये है दैट द कंपनीज क्लेम दैट 1,000 pounds वॉज डिपॉजिटेड एट द अलायंस बैंक शोड दैट सीरियस इंटेंशन टू बी लीगली बाउंड. द जजमेंट ऑफ द कोर्ट वर एज फॉलोज. ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही पढ़ेंगे, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है. तो साथ में जजेस ये भी कहते हैं कि आपने 1,000 pounds इस मैटर पे जमा करा रखे हैं, ये भाई आपके ऑफर की सीरियसनेस को दर्शाता है, ये एक सीरियस ऑफर है और यहाँ पे कंपनी लीगली बाउंड है 100 pounds का रिवॉर्ड देने के लिए. अगर भाई यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो लोग फॉलो करते हैं उसके बावजूद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस हो जाता है या उसके सिम्टम्स हो जाते हैं या कोल्ड हो जाता है, तो यहाँ पे कंपनी लीगली बाउंड है टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस. तो ये केस था कालेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी. अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है. एज पर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट anyone परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर कैन बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर. यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट नहीं करना है, किसी को लिख के नहीं बताना है कि हम पर्सन को ढूंढ रहे हैं, किसी मिसिंग पर्सन को ढूंढ रहे हैं, या उसे लिख कर नहीं बताना है कि देखो हमने आपकी स्मोक बॉल खरीद ली है, अब जो भी उसकी डायरेक्शंस हैं हम रोजाना लगातार हम लोग रोजाना 3 बार यूज़ कर रहे हैं, लगातार 2 हफ्तों तक यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ लिख कर नहीं देना है, कम्युनिकेट नहीं करना है. यहाँ पे स्मोक बॉल को यूज़ करना ही एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर है. ठीक है, एनी वन परफॉर्मिंग, जो भी परफॉर्मेंस कर रहा है इसका मतलब उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है. ठीक है, जो भी पर्सन को ट्रेस कर रहा है इसका मतलब उसने यहाँ पे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है. ठीक है, इसके बाद लिखा है अंटिल द जनरल ऑफर इज रिट्रैक्टेड और विड्रॉन, जब तक ये ऑफर कोई वापस नहीं लेता. जैसे कि मैंने आपको बताया दिल्ली पुलिस का, तो दिल्ली पुलिस जब तक ये नहीं कहती कि भाई ये जो ऑफर है ये ऑफर अब एक्सपायर हो चुका है, हमने सुशील कुमार को ढूंढ लिया है, सुशील कुमार यहाँ पे हमारे पास आ चुके हैं, जब तक ये विड्रॉ नहीं हो जाता, जब तक ये रिट्रैक्ट नहीं हो जाता, तब तक इसको कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है. इट कैन बी एक्सेप्टेड बाई एनी वन एट एनी टाइम एज इट इज़ अ कंटिन्यूइंग ऑफर. इसे भाई कंटिन्यूइंग ऑफर भी कहते हैं क्योंकि ये चलता रहता है. ठीक है, तो ये थी भाई आज की क्लास. कल की क्लास में हम लोग आगे के जो ऑफर होते हैं उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़.